रघुनाथ श्री जय गोपाल भट्टदास रघुनाथ एक चरण गोसाई करी चरण बंदर जाहित विघ्ननाश अभीष्टपुर तमादि देवम करुणानिदानम तमालवरम सुदाभकाय अपार संसार समुद्र सेतु भजा महिभागवतम स्वरूपम जन्म प्रभजन तमन प्रीतमपेत कृतम द्वैपायन विरहता कर आदि भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेतु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तस्मि नारायण नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो यमुदिरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सगर हाथ उठा करके बोलो बोल हरे कृष्ण क्रोध आया बोले भगवान का निर्देश संसार का क्रम बढ़ाओ
सृष्टि का पहला तुम हो और तुम कर रहे हो घर गृहस्थी नहीं करोगे तो ये सृष्टि कैसे बढ़ेगा। बोले अगर तुम ये घर गृहस्थ नहीं करोगे तुम्हें हम अभिशाप देते हैं। बोले क्या अभिशाप दोगे? बोले जैसे तुम लोगों ने जन्म हुआ जिंदगी भर ऐसे बच्चे ही बन करके रहो। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप, ये तो आशीर्वाद है, क्योंकि संसार का सारे बोझ इसको पर है। बच्चे तो मस्त से खेलते रहते हैं, कोई चिंता नहीं, संसार का सारे बोझ बड़ों के ऊपर में। बोले पिताजी ये तो वरदान है, ये अभिशाप नहीं। जब उनको मना कर दी, ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनको ललाट से श्री रुद्रदेव प्रकट हुए। बोले श्री भोले बाबा की, तब उनने शंकर जी को भी आदेश दिया, लेकिन शंकर जी योगी योगी महाजोगी है और देव देव महादेव शंकर जी। अक्सर करके देखना शंकर जी का जो मूर्ति है ना वो ध्यान अवस्था में हर समय रहते हैं, ठाकुर जी की भजन में मस्त रहते हैं, उनको भी ये घर गृहस्थी में कोई मतलब नहीं। लेकिन इन्होंने देखा अगर बड़े भाई जैसे मना कर दिया तो पिताजी घुमरा क्रोध आ गया, इसलिए ऐसे काम करो जो पिताजी अपने आप मना कर दे। तब शंकर जी जितने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ की। ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है? जरूरत नहीं सब सृष्टि करने का, बंद करो। बोले पिताजी हम तो यही चाह रहे। इतने में उन्होंने परछाई से श्री गर्दम ऋषि को सृष्टि की और उन्होंने फिर 10 पुत्र को उन्होंने सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी अपना बाम और डान अंग से सत्वरूपा और मनु को उन्होंने सृष्टि की। पहले जो सृष्टि थी वो मानस की सृष्टि, मन से सृष्टि करते थे, लेकिन ये पति पत्नी का मिलन से जो सृष्टि है ये मनु महाराज से हुआ है, इसलिए हम लोगों को कहते हैं मानव। क्या कहते हैं? क्योंकि हम मनु महाराज से हुए। लेकिन अभी का जो साइंस, जैसे डार्विन का नाम सुने होंगे, सुने हो डार्विन का? लेकिन वो क्या कहता है, हमारे जो पूर्वज लोग ना सब बंदर थे, ये बंदर का पूछ कटते 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 जब खत्म हो गया फिर ये बंदर से ही इंसान हो गए, ये डार्विन का थ्योरी है। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है नहीं, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम है। अगर बंदर से पूछ कटते कटते अगर खत्म हो जाने पर हो जाते, अभी कितने बंदर घूम रहे हैं देखे हो बंदर को, अभी तो कोई एक बंदर इंसान नहीं बन रहा है। तो फिर उसी समय बंदर क्यों इंसान हो गया, ये अभी ये बंदर क्यों इंसान नहीं बन रहे, इसलिए ये डार्विन मरने से पहले बोल कर गया, बोले ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्त किया था लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, लोगों को भगवान भगवान कुछ नहीं, हम अपने आप धीरे 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 हो गए, इसलिए नास्तिक बनाने के लिए हमें बताया था। लेकिन कभी भी बंदर से कभी इंसान नहीं बनता है, हैं? इसलिए हमारी गीता पढ़ो, हमारी हिंदू ग्रंथ गीता है, गीता में भगवान क्या कहते हैं, बोले बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जगत में जितने जीव है ये सबके सब मेरे औलाद है, इसलिए कहते ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हम बोलते हैं ना हमारे पिता कौन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हमारे पिता कौन है, जगन्नाथ है, इसलिए उनका नाम ही जगन्नाथ। मतलब क्या, विश्व ब्रह्मांड का जो नाथ है वो जगत का नाथ श्री जगन्नाथ है। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, ये हमारे हिंदू ग्रंथ कहता है। आप बाइबल पढ़ो, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ बाइबल, वो बाइबल में लिखा हुआ है, बोले गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, वहां पर लिखा हुआ भगवान ने अपना जैसे जीव को सृष्टि किया है। अब पुराण पढ़ो, ये मुसलमान का ग्रंथ है, पुराण में लिखा हुआ है अल्लाह ने इंसान अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया, किसी ग्रंथ शास्त्र में नहीं बताया हम सबके सब बंदर से हो। भैया हम बंदर से कोई नहीं हुए, बंदर से नहीं हुए,
इसलिए आप देख लो भगवान कृष्ण का रूप देखो, नारायण का रूप देखो, ये इसको कौन बजा नहीं सकते। इसलिए आप भगवान कृष्ण को देखो, राम को देखो, भगवान के राम का जैसे दो हाथ हमारे भी जैसे दो हाथ, भगवान राम की जैसे दो आंखें हमारे भी दो आंखें, भगवान की जैसे दो पैर हमारे भी दो पैर। भगवान के साथ में मिलते कि नहीं, एक बंदर को ले आओ, बंदर को साथ में तुम मिलोगे, उनका आंख ना हाथ ना पैर किसको साथ में मिलोगे। इसलिए हम कोई बंदर से नहीं हुए हैं, हम हुए श्री भगवान श्री कृष्ण से और भगवान राम से हुए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए अभी श्री कर्दम ऋषि ने कठोर तपस्या की, इनकी तपस्या में संतुष्ट होकर के भगवान दर्शन दिए, उनकी आंखों से जो आंसू बही है वो हो गया बिंदु सरोवर। भगवान का बेटा वर मांगो। बोले प्रभु आपके चरण में हमें भक्ति प्रदान और सेवा दो। बोले तथास्तु। बोले और कुछ चाहते हो? बोले प्रभु मेरे मन में कोई तो संसार की इच्छा है ही नहीं, लेकिन आपकी इच्छा है ये संसार का क्रम धीरे धीरे बढ़े, इसलिए आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं शादी कर सकता हूँ, लेकिन प्रभु मेरे दो शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे फिर मैं शादी करूंगा। आप बताओ आप मेरे बेटे बनोगे? भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं बेटा बन करके आ जाऊंगा। है यहाँ सिखा देते हैं, देखो तभी वो घर गृहस्थी सार्थकता है अगर भगवान अगर तुम्हारे घर में बेटे बन करके आ जाए। अगर भगवान बेटे नहीं बने कम से कम उनका भक्त तुम्हारे बेटे बन करके आ जाए। इसलिए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिस घर में बच्चे पूरा के पूरा परिवार भगवान की भजन करे वो घर नहीं वही भगवान का धाम, वही श्री वृंदावन धाम है वही। जिस घर में भगवान की पूजा पाठ और भक्ति हो, और जिस घर में भगवान की पूजा पाठ भक्ति नहीं हो वो घर क्या है? वे दो तरह के कुएं हैं, एक सूखा कुआ और एक पानी वाले कुएं हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं गृहांत कुपम, ये जो घर है ये एक अंधा कुआ है, लेकिन अगर उसमें पानी हो और एक में सूखा कुआ हो, जिसमें पानी अगर जिसमें अगर कोई गिर गया ना, कोई पानी भरने के लिए आएगा तो तुमको उठा सकता है, लेकिन ये कुआ खाली है अंधकार कुआ है, अगर उसमें गिरोगे ना कोई उठाने वाले नहीं आएगा। इसलिए प्रहलाद कहते हैं उसी घर घर है जिस घर में पति पत्नी बच्चे सबके सब भगवान की भक्ति करे भगवान की भजन करे वही घर ही असली घर है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले प्रभु अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना मैं शादी करूंगा। बोले कोई बात नहीं कोई बेटा बनूंगा। बोले दूसरा पर किया। बोले तब तक हम घर में रहेंगे जब तक घर में बच्चा जन्म नहीं होगा। इसलिए हमारे उड़ीसा भाषा में कहते हैं पुत्र समर्पित पत्नी पासे अथवा चलिव संन्यास, मतलब कब तक घर में रहे? बोले जब तक तुम्हारी संस्थान नहीं हो जाए उसको बाद में फिर घर छोड़ देनी चाहिए हैं। इसलिए बताए एकावन बावन चौवन, मतलब क्या है? बोले 50 साल के बाद में घर में रहने के लिए मना किया है, इसलिए एकावन बोले वृंदावन जाओ और घर नहीं। बावन चौवन ये वन बनाता है, लेकिन अगर वन में नहीं गए भजन भजन नहीं किया बोले 68 7 फिर तुम सठिया बन जाओगे, तुमसे कुछ होने वाले नहीं। इसलिए इसलिए उन्होंने बताया तब तक संसार में रहूंगा जब तक मेरी संतान नहीं हो जाएगी। भगवान बोले कोई बात नहीं बेटा आशीर्वाद देता हूँ। इतने में माता देहूति के साथ में इनकी शादी हुई। जब श्री मनु महाराज ने इनकी 5 संतान हुए, इनकी भी 2 बेटे हुए उत्थानपात और प्रियव्रत, और इनकी 3 बेटी हुई आकुति देहूति और ये प्रसूति। इसलिए यहाँ पर श्री माता देहूति की कथा थी। जब श्री मनु महाराज जी माता ने ध्यान देकर सुनो, जब मनु महाराज जी अपना बेटी को शादी करवाए
उसको अच्छे तरह से पढ़ाए, उसको अच्छे तरह सिखाया पढ़ाया, मतलब देख बेटी तेरे हाथ में ये पिताजी की कुल भी और ससुर का कुल तुम्हारी हाथ में, अगर तुमने शादी करके गए, अगर तुमने सास ससुर की परिवार की बढ़िया से सेवा की, वो क्या क्या बोलेंगे, बोले बाप कितने अच्छी शिक्षा दे करके पिता माता ने भेजा, कितने अच्छे शिक्षा दे करके भेजा। अगर कोई लड़की गड़बड़ी करती है फिर क्या होता है, सास ससुर क्या बोलते हैं, बोले तेरे पिता माता यही शिक्षा करके तेरे को भेजे, यही शिक्षा किसको ऊपर अंगुल उठाएगी, उसको पिता माता के ऊपर में। इसलिए बोले देखो ऐसे कोई भी काम नहीं करना जो कि पिता माता के ऊपर में कोई अंगुल उठाए, अच्छे तरह से उसको शिक्षा दे करके। अभी क्या होता है, अगर थोड़ी सी कुछ कटर बटर हो जाए ना, अब ये फोन आ गया, ये इतने गड़बड़ी ये फोन है, थोड़ी सी भी कुछ हो ना झट माता जी के पास में फोन कर देते, भैया ऐसे हो गई भैया, फिर घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है। इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके भेजा। अभी जब शादी हो गई, इसको बाद में फिर कर्दम ऋषि भजन में बैठ जाते, भजन में बैठने पर अभी श्री माता देवहूति अपना पतिव्रता धर्म को साथ में अपना पति को बड़ी सेवा करती है, बड़ी सेवा करती है, पति की सेवा करते हैं। कितने साल तक भजन में बैठे, बल 10,000 साल, पति भजन नहीं कर रहे, पत्नी कैसे भजन कर, धर्म क्या है, पहले ऐसे खुद बनाया और खुद चट कर लिया, ये धर्म नहीं है। क्या करनी चाहिए, पहले ठाकुर को भोग लगा, भोग लगा करके पत्नी को बच्चों को खिला करके बाद में माता जी लाती है ना, इसलिए तो पति प्रधान नारी अभी पति की सेवा कर रही है। पति की सेवा करते 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 एकदम ये वृद्धा हो गई कि बच्चे को चुपचाप बैठा अपने गोद में रख, नहीं तो पीछे जाकर बैठ। इसलिए अभी पति प्रथा धर्म को जागरण करते करते अभी जब 10,000 साल को बाद में जब इसकी आंख खुली, देखा सामने एक बुढ़िया बैठी हुई, लेकिन उन्होंने ये भी भूल गए हमने कभी शादी किया है, हैं? जब देखा कि बुढ़िया बैठी हुई, बोले तू कौन हो, बोले आप क्या भूल गए हो कभी शादी किए हो, बोले वो तू वही देहूति, बोला हाँ मैं वही देहूति हूँ। वर्णन आते हैं ये तीनों जो बेटी इतने सुंदर थी, इतने सुंदर ये तीनों बेटी थी, जब ये आंगन में खेलती थी, जिनकी रूप को देख करके देवता भी मुग्ध हो जाते थे, इतने सुंदर थी, लेकिन ये पति की सेवा करते 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 भोली हो गई। देखो पतिव्रता धर्म की कितने शक्ति है, कहते ना पतिव्रता अनसुया साबित्री, साबित्री का नाम सुनी कि नहीं है, शक्ति साबित्री, पति सेवा में कितने शक्ति। देखो पति खुश हो गए, बोले बेटा तुमको क्या चाहिए, बोले आपने शादी क्यों किया, बोले ना संसार का क्रम को बढ़ाने के लिए हैं, बोले ठीक है काम करो, जब तुम ये बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। जब उसने स्नान की, पहले जितनी सुंदरी थी उससे भी ज्यादा सुंदर बनकर प्रकट हुई, 1,000 दास दासियां वहां पर प्रकट हुई। तब श्री कर्दम ऋषि ने बड़े सुंदर एक विमान बनाया जिसका नाम है कामक विमान। क्या नाम है, देखो पहले जो साइंस है अभी का साइंस से बहुत एडवांस था वो विमान, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, कामक मतलब जैसे चाहोगे। वर्णन आता है इतने क्रोस तक वो विमान थी जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर राजमहल है, जिस सरोवर में चार तरह का कमल फूल खिले हुए हैं, जिसमें राजहंस विहार कर रहे हैं, और कहते जो विमान में बैठने पर जिसको भूख नहीं लगेगी, और उसमें ठंडा नहीं गर्मी नहीं, और जो उसमें बैठेगा उसको भूख नहीं लगेगी, वो व्यक्ति कभी बूढ़ा बूढ़ी नहीं बनेगा। ऐसे उन्होंने विमान बनाया, और वो विमान में बैठ करके दोनों पति पत्नी आकाश मार्ग में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते इनकी 10 बेटियां हुई। जब 10 बेटियां हुई, कर्दम ऋषि बोले देहूति अभी तो तू खुश हो गई कि नहीं, क्योंकि 10-10 बेटी हो गई, बोले नहीं ये बेटियां तो शादी हो करके वो अपना अपना ससुर घर में चली जाएंगी, अभी मेरे पास में कौन रहेगा।
और भगवान ने वरदान दिया ना, भगवान बेटे बन करके आएंगे, अभी ठाकुर बेटे बने नहीं। तो माता देवती करदम ऋषि को अपने बड़ी सेवा की तो भगवान प्रसन्न होकर के श्री कपिल भगवान बन करके आए। बोले श्री कपिल भगवान की। अभी ठाकुर जी बन करके आए, लेकिन उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया था घर में बच्चे होने पर हम घर छोड़कर चले जाएंगे, घर में नहीं रहेंगे। लेकिन घर में जब बेटियां होती हैं, सबसे पहला कर्तव्य है पिता माता का बेटी की शादी कराए। सबसे पहला कर्तव्य अपना बेटी को शादी कराए। लेकिन इनकी घर में कितने बेटियां हैं बोलो? आप लोगों ने बेटी को शादी किए हो कभी? अब देखना, एक बेटी की शादी करो तो घर खाली हो जाता है। लेकिन जिनकी घर में 10-10 बेटी, बताओ कैसे क्या स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताए, कहते करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं ना, ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देते हैं। अब नरसिंह भगत का नाम सुने, स्वयं ठाकुर जी सावरिया सेठ, स्वयं ठाकुर जी उसकी बेटी की शादी करने के लिए ठाकुर जी गए। उन्होंने ऐसे भात भरे, अरब खरब पति भी ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं। सोने चांदी की बरसात होने लग गई। इसलिए भगवान की भक्ति करने पर, भजन करने पर ठाकुर जी सब कुछ ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं। एक दिन श्री मन महाराज जी उनको 9 बेटे को लेकर के आए। नारद बचपन से ही वैराग्य है, 9 बेटे को लेकर के आए। देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, बोले एक साथ में शादी करा दो। एक साथ में शादी हो गई, अब पूरा के पूरा घर हो गया खाली। घर में 3 व्यक्ति रह गए, पिता माता और बेटा। इतने में करदम ऋषि घर छोड़कर के भजन करने चल पड़े। तब यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग प्रश्न करते हैं, बोले भैया किसको भक्ति करने जा रहे हैं? बोले भगवान को। बोले भगवान तो तेरे घर में बैठे हैं। इनके बेटे रूप में ठाकुर जी कपिल मुनि भगवान बेटे रूप में घर में आए ना, तो घर में तो तेरे भगवान घर में बैठे हुए, फिर तुम जंगल में किसको ढूंढने जा रहे हो? यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई, क्यों ये जंगल में भक्ति करने जा रहे? भगवान तो घर में है। बोले जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक जीवन में साधन नहीं करेंगे ना, तब तक भैया ठाकुर जी नहीं मिले। अगर भगवान मिल भी गए, तुम्हारी कोई लाभ होने वाला भी नहीं, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे। जैसे रावण का नाम सुने हो कि नहीं? सुने हो रावण का नाम? अब बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं? मेघनाथ ने राम को देखा कि नहीं? अब बोलो देखा कि नहीं? देखा है ना। लेकिन रावण ने किया क्या? जिंदगी भर राम को बैरी माना और उनके साथ में लड़ाई की, माता सीता को ही उठा करके ले लिया उसने। मेघनाथ ने देखा किसको? लक्ष्मण को देखा, उसको बड़े शक्ति शैल की प्रहार की। और नागभास बंधन में राम लक्ष्मण को बांध देती हैं। बोले भैया भगवान को देख करके हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? कंस ने भी कृष्ण को देखा कि नहीं? जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की। अब कृष्ण जब मथुरा में आए, साक्षात भगवान मथुरा में आए, सामने कृष्ण खड़े हैं, लेकिन वो किस रूप में देख रहे थे? काल रूप में, मानो काल आ गया। तो भगवान को देख करके हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? शिशुपाल और दंत पकड़, आप लोगों देखे होंगे महाभारत, कृष्ण खड़े हैं, 101 गाली निकाला। आप गाली 10-20 से ज्यादा गाली किसको नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने भगवान को 101 गाली निकाला। फिर भगवान को देख करके हृदय परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? यही चीज को समझो, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे ना, तब तक हृदय में प्रेम नहीं आएगा। और जब तक हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम नहीं आएगा, कृष्ण मिलने पर भी हमें कोई लाभ होने वाले नहीं। इसलिए घर में ठाकुर जी है घर में, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? घर में ठाकुर को छोड़ करके उन्होंने भजन करने के लिए गए। जब उन्हें भजन करने के लिए चले गए, इतने में घर में रह गए माँ और बेटा। अभी माँ को पता, मेरा जो बेटा है ये स्वयं भगवान है। एक दिन माता देवती अपना बेटे को पास में आए, बोले बेटा मैं तो स्त्री जाती हूँ,
मन बड़ा चंचल है, कहाँ कहाँ ये मन भटकता रहता है। इसलिए मेरे को ऐसे कुछ ज्ञान की बात बताओ जैसे बड़ा बिरा पार हो जाए। इतने में भगवान ने अपना माँ को उपलब्ध करते हुए हम जीव जगत को भगवान ने शिक्षा दिया, बोले माँ बलमान एव मनुष्यानाम कारण बंध मक्षेव। बोले माँ ये जो मन ही सब कुछ है, जब ये मन को मनमोहन में लगाओगे ये मुक्ति की कारण बनेगा, जब ये मन को विषय में लगाओगे बंधन का कारण बनेगा। इसलिए हे माँ ये मन को ठाकुर जी की चरण में लगा दो, ठाकुर जी की चरण में लगा दो, तुम्हारी मुक्ति की कारण बन जाएगी। माँ कहती है बेटा तुमने तो बोल दिया ये मन को ठाकुर को चरण में लगाओ, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इसलिए कृष्ण इसलिए द्वापर युग में अर्जुन कह रहे हैं बोले चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़। यदि ये वायु को हम रोक सकते हैं लेकिन ये मन को नहीं रोक सकते हैं। यहाँ तो बैठे हैं, पता नहीं मन कहाँ कहाँ अपना अपना काम कर रहा है। हम बैठे हैं यहाँ पर, आप बैठो भजन करने के लिए सोचे 10 मिनट बैठूंगा, देखना 10 मिनट में 1 मिनट भी मन नहीं लगता। आंख बंद करते ही बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी दिख जाएगी, ठाकुर नहीं दिखेगी। इसलिए मन इतने चंचल है, बोले बेटा ये मन को चंचल मन को हम कैसे भक्ति में लगाए। तो भगवान ने कहा माँ बोले सौ एवं साधु सुकृत्य, अगर ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगाना चाहते हो इसके सबसे सरल उपाय है कहते साधु संग करो, सत्संग करो है, माँ संतों की संग करो। तो भगवान सत्संग की महिमा कहते हैं बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संबितो भवन्ति हृतिका नरसायन तथा ताजो सन आसु अपवर्ग बर्मनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिषति। बोले माँ जब तू ये मन को सत्संग में लगाओगे क्या होगा, बोले उनकी पास में जो मेरी विजयवती कथा होती है वो कथा सुनते सुनते धीरे 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 अपनी आप तुम्हारी मन भगवान में लगने शुरू हो जाएगा, अपने आप ये मन भक्ति में लग जाएगा। इसलिए बोले संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। इसलिए संतन के संग लागिरे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए माँ तुम संतों की संग करो, कथा सुनते सुनते धीरे 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 तुम्हारी मन भगवान के चरण में लग जाए। अगर तुम संतों की संग करोगे तो क्या होगा, बोले आ प वर्ग वर्तमनि। बोले प वर्ग मतलब क्या, बोले प फ प भ और म, ये प वर्ग है। बोले संतों की संग करोगे तो प मतलब का परिश्रम, फ मतलब का फेन व छान, बोले व मतलब का व्यर्थता बेकार, भ मतलब भाई और म मतलब होता है मृत्यु। कहते अगर तुम संतों की संग करोगे ना सारे मृत्यु को तुम जय कर लोगे, दुनिया से अभय प्राप्त हो जाएगा, मृत्यु को पार कर जाओगे है, और जीवन तुम्हारी धन्य हो जाएगी जब तुम संतों की संग करोगे। जब भगवान बोले सत्संग करो, फिर माँ फिर प्रश्न करती है बोले बेटा तुमने तो बता दिया सत्संग करो, लेकिन संतों का तो कुछ गुण भी तो होनी चाहिए ना, जिसको देख करके संत मान करके संग करना शुरू करते हैं, इसलिए कुछ गुण भी तो होनी चाहिए, उनका कुछ गुण बता दो। भगवान कहते माँ उनकी विशेष करके एक ऊपर का लक्षण है और एक उनकी बाहर का लक्षण है, बोले बताओ क्या बाहर ऊपर लक्षण है। बोले तितिक सब कारुणिक श्रुही द सर्वदही नाम अजात सत्रव शांता साधु भी साधु भूषण। कहते ये संतों का बाहर लक्षण है, बोले पहला लक्षण क्या, बोले तितिक सब, तितिक सब मतलब होता है सहन करना, जो सहे सो रहे। अगर थोड़ी थोड़ी बात में चिड़चिड़ापन आए क्रोध आए तो भगवान की भक्ति कैसे करो। इसलिए पहला गुण है
सहन करना सीखो। देखो आप लोग सोचोगे ये तो संतों का लक्षण बता रहे हैं। हम संत किसको समझते हैं? जैसे हमने ये कपड़ा पहन लिया, आप लोग बोलोगे यही संत नहीं। भागवत में भागवत पढ़ करके देखो जितने सारी कथा सब गृहस्थ की कथा आ रही है। हाँ बता, परीक्षित महाराज त्यागी थे ना गृहस्थ थे? वो गृहस्थ थे। अम्बरीश महाराज गृहस्थ थे ना त्यागी थे? गृहस्थ थे। भरत महाराज गृहस्थ थे ना त्यागी थे? वो भी गृहस्थ थे। ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज गृहस्थ थे। ब्रज की गोपियां गृहस्थ थे। ये जितने गृहस्थों की कथा आ रही है इसका मतलब है तुम कहीं भी रहो, अगर आप घर में रह करके भक्ति कर रहे हो आप ही साधु हो। अगर कोई घर छोड़ दिया और भगवा कपड़ा पहन लिया, गौरी कपड़ा पहन लिया, लेकिन अगर भक्ति नहीं करता है वो भक्त नहीं है। ऊपर से ड्रेस पहनने पर कोई साधु नहीं हो जाता है, हैं? कोई साधु नहीं बन जाता है। इसलिए हम महाप्रभु कहते हैं घर में रहे नहीं तो वन में रहे, कहीं भी रहे, जो जितना भगवान की भक्ति करता है वो उतना बड़ा ही संत है, ठीक है ना। इसलिए ये मत समझो ये त्यागी संतों की बात कह रहे हैं, संतों का लक्षण। आप घर में अगर भक्ति करते ना आप ही भक्त बड़े हो, ठीक है ना। इसलिए पहला गुण क्या है? तितिक्षव। तितिक्षव मतलब होता है सहन करना, है घर में रह करके सहन करना सीखनी चाहिए। दूसरा गुण क्या है? बोले कारुणिक। कारुणिक के मतलब बड़े दयालु होते हैं। बोले सुहीद सर्वदेहिना, कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वो क्या मानता है? हम संपूर्ण पृथ्वी हम एक परिवार है। हमारे ठाकुर जी कौन है? जगन्नाथ है। तो जगत का नाथ श्री जगन्नाथ है, हम सबके उनकी बच्चे, इसलिए हम सबके सब एक परिवार है, हैं? अजात शत्रव, जिसका जगत में कोई शत्रु नहीं होते हैं, बड़े दयालु बड़े कृपालु, बहुत गुण संतों की बताए। लेकिन एक विशेष गुण बताए जो संतों की होनी चाहिए। बोले भैया वो कौन सा गुण है? बोले मई अनन्य भावना भक्ति कुर्बंती जदिना। आप भी ध्यान देकर समझो, ये ठाकुर जी स्वयं कहते हैं भक्तों का विशेष गुण है वो एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करते हैं। वो बहुनिष्ठ भक्ति नहीं होती है, हैं? एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। मतलब क्या है? जैसे हनुमत लाल जी, आप बताओ हनुमान जी किसको पूजा करते थे? जोर से बोलो, एक राम की भक्ति करते थे, एक राम को भक्ति करते थे ना। आप बताओ मीरा किसकी भक्ति करती थी? कितना मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना कोई, और गिरिधर लाल भक्ति करते थे। मतलब सूरदास जी किसको भक्ति करते थे? इसलिए मैया मोरी मैं नहीं माँ खंडे खायो। आप देखना जो जो संतों का चरित्र देखोगे ना वो एकनिष्ठ होकर के एक को ही भक्ति किया है। जो बहुनिष्ठ होकर के आज इसको पूजा करना कल उसको पूजा करना, भैया इससे इससे भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? जब सोमवार होगा ना शंकर जी के मंदिर में जाएंगे, बम बम करते हुए शंकर जी की चौखट दबाएंगे, शंकर जी को जल देंगे, बोले हे भोले बाबा आप ही हमारे तन मन धन आप ही हो, सब आपके चरण में समर्पण कर रहा। लेकिन जब मंगलवार होगा ना शंकर का तरफ में देखेंगे नहीं, वो सीधा हनुमान के पास में जाएंगे, बोले हे हनुमान बाबा जी आप ही हमारे जीवन तन मन धन आपके चरण में। लेकिन फिर जब बुधवार आ गए ना, आगे ना हनुमान का तरफ में नहीं देखेंगे, सीधा श्री गणेश जी के पास में जाएंगे। भैया ये क्या बेवकूफ लोग है? एक सब बेवकूफ किया, हम इनको बेवकूफ बना रहे हैं सबके सब, और बेवकूफ नहीं सब जानते हैं। इसलिए ऐसे भक्ति नहीं होती, ये भगवान खूब कह रहे हैं भक्ति होनी चाहिए एकनिष्ठ भक्ति हो। बहुनिष्ठ व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मंत्र एक ही है ना। इसलिए उद्धव जी जब ब्रज में आए और गोपियों को उन्होंने ध्यान की बात बताई, उद्धव जी जब ध्यान की बात गोपियों को बताए, गोपियां क्या कहती हैं? बोले हे उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। बोले उद्धव मन दस बीस नहीं है, मन तो एक ही मन है, मन एक ही है,
वो मन तो कन्हैया को साथ में गया हुआ है। तो ध्यान करने के लिए बता रहे हो, ध्यान कैसे मन से करना, मन तो है नहीं, मन तो कृष्ण को साथ में गया, ये चीज को समझ लो, ठीक है ना। फिर क्या करना है, एकनिष्ठ होकर भक्ति करो, बहुनिष्ठ नहीं। लेकिन एकनिष्ठ होकर किसको भक्ति करनी चाहिए, बोले ऐसे एक देवता को भक्ति करो जिसको एक को करने पर सबका हो जाए, सबकी हो जाए। कहते भैया वो कौन है, बोले ये जगन्नाथ जी है। कौन है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु है, इसलिए इनका नाम जगन्नाथ है। ये जगन्नाथ कौन है, ये कृष्ण जी अपनी ब्रज की कथा सुनते सुनते उन्होंने ये रूप धारण किया है। इसलिए आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब अर्जुन युद्ध करने की चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा लो, हैं? जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहा था, इतने में कृष्ण उनको विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन तू मेरे को देख, मैं कौन हूं। जिसको तुम शंकर जी कहते हो, देखो वो शंकर मेरे में ही है। जिसको तुम देवी कहते हो, देखो देवी मेरे में ही है। जिसको तुम गणेश कहते हो, देखो गणेश मेरे में ही है। जिसको तुम हनुमान जी कहते हो, देखो ये हनुमान जी मेरे अंदर में। इसलिए कृष्ण श्लोक में कहते हैं, बोले मत पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़कर के विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया, मेरे तरफ पर देख लो, उन्होंने किया कृष्ण जैसे ये माला है, आपको धागा दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, फूल ही फूल दिख रहा है ना, लेकिन इसके अंदर में एक धागा है, इसलिए ये फूल एक एक करके से खोया हुआ। अगर धागा को तोड़ दे फिर फूल रहेगा, माला रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन ये जो अनंत कोटि जो विश्व ब्रह्मांड है, सबके सब मेरे अंदर में विद्यमान, देख मैं तू कौन। जब हम कृष्ण चरण में प्रणाम करते हैं तो सब देवादेवी की पूजा हो गई कि नहीं, प्रणाम हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं बता, हो गया ना। फिर हम इधर उधर दर दर क्यों भटकेंगे, इसलिए उन्होंने, इसलिए यहाँ पर उन्होंने दो उदाहरण देकर बता दिए। आप भी उसको दिमाग में बैठा लो, नहीं तो आप भी इधर उधर भटकते रहोगे। भगवान ने दो उदाहरण दिया है, पहला उदाहरण दिया है जैसे एक वृक्ष है, जब हम वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं फिर उसका पत्ते फल फूल में पानी देने का जरूरत है कि नहीं, क्योंकि जब जड़ में पानी दे दिया ये पूरा वृक्ष में चली गई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जड़ में पानी नहीं दे रहा है, तीन बार पत्ते को धो रहा है, उसका फल को धो रहा है, उसकी टहनिया को धो रहा है, लेकिन जड़ में पानी नहीं दे रहा, आप बताओ वो वृक्ष जिंदा रहेगा कि नहीं, अरे बोलो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा ना। दूसरे उदाहरण दिया, जैसे भोजन हम कहाँ देते हैं, मुंह से। जब मुंह में भोजन दे देना, हाथ भी काम करेगा, पैर भी काम करेगा, दिमाग सब काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति मुंह में आहार नहीं दे करके बोले क्यों, कान से सुनते ना तो दाल डाल दो, नाक से श्वास लेते ना तो रोटी दे दो, आंखों में देखते हैं ना थोड़ा तो चावल दे दो, कोई करते हैं भोजन कहाँ देते हैं, मुंह में। जब मुंह में भोजन दे दे, पूरा तुम्हारी सारी इंद्रिया अपने आप काम करेगा। क्या तो उसी तरह जब हम भगवान अच्युत मतलब भगवान कृष्ण को हम भक्ति करते हैं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आप लोग फिर बोलोगे, फिर ये जितने सब देवा देवी का फिर इसको पूजा पूजा नहीं करनी चाहिए, फिर आप बोलोगे ना, देखो एक उदाहरण देखो समझाए। जैसे घर में जब एक लड़की बहू बन करके आती है, बहू बन सास को भी आदर देती है, ससुर को भी आदर देती है, ननद को भी, जेठ को, सबका आदर देती है कि नहीं, सबका आदर देती है कि नहीं, हाँ बताओ आप लोग देते हैं कि नहीं, देते हो। लेकिन अपना दिल में किसको बैठा कर रखते हो, अरे बोलो दिल में किसको बैठाते हो, पति को बैठाते, दिल में पति को बैठा, सबका आदर देते हो। अगर घर में कोई झटपट हो गया फिर किसको लेकर अलग हो जाते हो, पति को लेकर ना। फिर उसी तरह हृदय में तो जगन्नाथ जी को बैठा हो, कृष्ण को बैठा हो, और सबको आदर देते रहो, सबको आदर दो, किसको अनादर नहीं करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री हेरा पंचमी की।
कहते वो साधारण बुखार नहीं, वो प्रेम की बुखार है।
ये जगन्नाथ जी बहाना बनाते हैं, बोले किस चीज की बहाना बनाते हैं, बोले जगन्नाथ जी जिस मंदिर में रहते हैं पुरी में उसको मानी जाती है द्वारका है, वहां पर अपना महिषियों के साथ में जगन्नाथ जी रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी कौन, वो कृष्ण अच्छे तरह समझो, जगन्नाथ जी कृष्ण है लेकिन ये रहते तो द्वारका में, लेकिन जब रात में जब महिषियों के पास में सोते हैं ना, रात भर जगन्नाथ जी कृष्ण राधा रानी का नाम लेकर के रोते हैं, विशाखा का नाम लेकर रोते हैं, मैया जसोदा के नाम लेकर रोते हैं, सखा ग्वाल बाल का नाम लेकर रोते हैं, और कभी कभी इतने रोते हैं अपना आंखों का आंसुओं से तकिया गीला कर देते हैं, तकिया गीली हो जाती है। इसलिए जगन्नाथ जी कृष्ण चाहते हैं साल में एक बार मैं वृंदावन जाऊं और मेरी जो प्यारी राधा रानी ललिता विशाखा मैया जसोदा इनको साथ में एक बार मिलो, क्योंकि जो शुद्ध प्रेम है ये ब्रजवासियों के अंदर में निष्काम प्रेम है, इनके अंदर में संपूर्ण निष्काम प्रेम है, कोई इनकी प्रेम में कोई कामना वासना नहीं, संपूर्ण रूप में कृष्ण चरण में अगर कोई समर्पित है ये ब्रजवासी है। आप देखना जगत में आपको सबसे ज्यादा प्रेम जो करे आप उसे मिलना चाहते ना, जो प्रेम करे, इसलिए जगन्नाथ जी कृष्ण चाहते साल में एक बार जाओ। लेकिन आप देखिएगा अगर एक व्यक्ति का अगर दो पत्नी हो, अगर पति एक पत्नी से बोले दूसरे से मिलने के लिए मैं जाना चाह रहा हूँ, आप बताओ एक पत्नी क्या करेगी, बोलो क्या करोगे, रोटी फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, बोले जाओ तो वहीं पर रहना, आने का कोई जरूरत नहीं, बोलेगे कि नहीं। इसलिए जगन्नाथ जी रहते हैं रुक्मिणी के पास में और लक्ष्मी के पास में, लेकिन जगन्नाथ जी डरते हैं लक्ष्मी को बताने के लिए एक बार मैं राधा और गोपियों से मिलने के लिए जाऊं, क्यों, फिर तो खाना पीना हराम कर देगी, फिर तो खाना पीना हराम कर देगी। इसलिए जगन्नाथ जी 15 दिन तक क्या करते हैं, किसको दर्शन नहीं देते, बुखार की बहाना बना करके, जैसे हम दवा लेते हैं ना, दवा लेते हैं, उन्होंने रोटी सब्जी चावल छोड़ देते हैं खाना पीना और बहाना बना करके लक्ष्मी को पास में रहते हैं और शरीर में हाथ घुमा करके कहते हैं 15 दिन जब हो जाती है ना, जगन्नाथ जी कहते दिखाना तुमने 15 दिन के बुखार में पड़ा रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी सी इच्छा करता है 1-2 दिन की तरह वृंदावन में घूमा। फिर लक्ष्मी देखती है सचमुच से 15 दिन तक बुखार में पड़ रहे, भोजन भी ठीक से नहीं किया, हाँ क्या खाए, फल मूल खा कर रहे, तब लक्ष्मी बड़ी कठिनी से आदेश देती है, बोले कितने दिन के लिए जाओगे, बोले आज जाऊँगा कल मिल करके फिर परसों आ जाऊँगा, जैसे कृष्ण ब्रजवासियों को बोल कर गए। इसलिए ब्रज में एक गाँव है जिसका नाम सी परसु, बोले कृष्ण जहाँ पर बोल कर गए थे मैं परसों वापस आऊँगा, ऐसे सी परसु लक्ष्मी को समझा बुझा कर दिखाते जल्दी जल्दी आ जाऊंगा, लेट करूंगा नहीं, कोई चिंता मत करो। इतने में जगन्नाथ जी क्या करते हैं, केवल 2-3 दिन के लिए उनको खाना पीना दे कर दिखाते हैं, केवल 2-3 दिन के लिए, और घर का जो चाबी काठी है ना, जो भंडारा है उसका सारे चाबी काठी को जगन्नाथ जी साथ में ले करके चले जाते हैं, हैं? अभी जगन्नाथ जी लेकिन लक्ष्मी को लेकर नहीं गए, किसको लेकर गए, दारू भैया सुभद्रा को साथ में लिए, माता जी वहीं पर अकेले दे दो अंदर में बताओ, इसलिए उन्होंने किसको लेकर गए, लक्ष्मी को लेकर नहीं गए, बलदेव सुभद्रा को लेकर गए, बोले क्यों, क्योंकि जो ब्रज की जो भक्ति है वो निराली भक्ति है और शुद्ध भक्ति है, ये लक्ष्मी ब्रज में कृष्ण को कोई भी भगवान नहीं मानते, सखा लोग तो कहते कन्हैया तू किस चीज की बड़े श्रीधाम कहता है, बता तेरे पिताजी का कितना गया, बोले 9 लाख, बोले मेरे पिताजी का 11 लाख, बता तू बड़ा हुआ ना मैं बड़ा हुआ, अरे कभी कभी जब कुश्ती लड़ते ना तेरे को हम परास्त कर देता हूँ, सखा लोग कृष्ण को तू किस चीज की बड़े हो, भगवान मानते नहीं। मैया जसोदा तो जब कृष्ण मक्खन चोरी की मटकी फोड़ दी, मैया ने क्या की, कृष्ण को उखल में बांध देती है, अगर कृष्ण कभी मिट्टी खाए तो मैया सीधा कान पकड़ती है, अगर कभी कृष्ण मक्खन खा लेते हैं ना, मैया बोली लला तेने मक्खन खाई, बोले मैया मोरी मैं नहीं माँ खन खाई, मैया मैंने मक्खन नहीं खाई, इसलिए कृष्ण को बांध देती प्रेम में, और ब्रज गोपियों को चरणों में तो कृष्ण गिरते रहते हैं, राधा रानी अगर कभी मान कर लिए तो पता नहीं कृष्ण क्या क्या उपाय करते हैं राधा जी की
मान को मनाने के लिए। इसलिए ब्रज में शुद्ध भक्ति है, कृष्ण को सब अपना मानते हैं। लेकिन द्वारका में यहाँ पर जो भक्ति ऐश्वर्य भक्ति है, मतलब यहाँ पर कृष्ण को साक्षात भगवान मानते हैं। इसलिए लक्ष्मी ये ब्रज की भाव को समझ नहीं पाएगी, इसलिए जगन्नाथ जी लक्ष्मी को नहीं लेकर गए, अपना भाई और बहन को लेकर गए जो ब्रज भक्ति को समझेगा है। लेकिन जब गए किया हुआ, आज जानते हो क्या तिथि, आज का नाम हेरा पंचमी। अभी आई थी ना लक्ष्मी, वो तो दो दिन बोल कर गई, कृष्ण गए, लेकिन जब पांच दिन हो गया तब भी जगन्नाथ जी नहीं आए, लक्ष्मी को इतना गुस्सा आ गई, इतना क्रोध आई। जगन्नाथ जी दो दिन के लिए खाना भोजन लेकर गए, लेकिन जब पता ये मेरे पति को ये गोपियों ने जोर जबरदस्ती रख दिया, आने नहीं दे रही। देखना स्त्रियों का स्वभाव, जानते हो क्या स्वभाव है, अगर किसी स्त्री को पता चले मेरे पति और किसी से प्रेम कर रही है, आप देखना सारा दुनिया में ढिंढरा पिटवाएगी, सारा दुनिया में ढिंढरा पिटवाएगी। जिसको देखेगी उसको बोलते रहेगी, बोले जानते हो क्या कर रहा है, मेरे को छोड़ कर और किसके साथ में प्रेम कर रहा है। लक्ष्मी तो ये जगन्नाथपुरी में सब लीला होती है। इतने में जगन्नाथ लक्ष्मी क्या करती है, बाहर आ जाती है, और बाहर आकर के ना दुनिया को सामने ढिंढरा पिटवाती रहती है। जिसको देखे उसको बोलते हैं, बोले जानते हो कृष्ण ने क्या किया, दो दिन के लिए गए और पांच दिन ही हो गया अभी तक नहीं आए, और मेरे को खाने के लिए देखो क्या देकर गए, कुछ भी देकर नहीं गए, सारे चाबी काटी लेकर गए। इतने में वहां पर लीला होती है, लक्ष्मी बाहर आती बैठती है और सारा दुनिया लक्ष्मी को दखनिया देते हैं, लक्ष्मी को पैसा चढ़ाते, क्यों, सारा दुनिया को देने वाली हुई, अभी वो भीख मांग रही सबसे है। इतने में जब पांच दिन हो गया जगन्नाथ जी नहीं आए, लक्ष्मी को इतना क्रोध आया, उसने सब धज करके रथ के ऊपर बैठ करके सब धज करके हीरे जवाहरात से सब धज करके, इसलिए हेरा पंचमी, हेरा मतलब होता है ढूंढना ढूंढना, इसलिए वो गए तो दो दिन के लिए, अभी तो क्या कर रहे हैं, अभी तो क्यों नहीं आए, अभी तो आए थे ना लक्ष्मी को लेकर आए थे, ढूंढने के लिए आए थे, और उसने देखा जगन्नाथ जी तो आए नहीं, उनका जो रथ था ना, रथ के एक पहिया को तोड़ दी। कहते स्त्री जब क्रोध करती है पति को ऊपर में क्या करती है, हाथ में जो कुछ मिलेगा फेंक फाड़ देती है, क्रोध कुमार सब फेंक फाड़ देती है, तोड़ फोड़ देती है। लक्ष्मी आकर के पूरा के पहिया को तोड़ दी, तोड़ करके सीधा अंदर में गई और सिंहासन में बैठ गई। बैठ करके वहां दो दल होता है, एक तो गोपियों का दल है और एक है लक्ष्मी की दल। लक्ष्मी आदेश देती है, बोले जाओ ये गोपियों को पकड़ करके ले आओ, मेरे पति को ये आने नहीं दे रहे हैं। और जो लक्ष्मी की दल जा करके और जो लक्ष्मी की जो ये लक्ष्मी की दल जा करके जो गोपियों की दल को गले में साफी में बांध करके कपड़े से और पकड़ करके ले आते हैं लक्ष्मी के पास में, और वो लोग माफी मांगते, माँ लक्ष्मी हम क्रोधित मत हो, हम जल्दी से जल्दी आपको पति को हम जल्दी जल्दी छोड़ देंगे, आप चिंता मत करो। लक्ष्मी को किसी तरह से स्तुति स्तव करते हुए उनको खुश करते हैं और लक्ष्मी वापस आ जाती। लेकिन जब वापस आती है जगन्नाथ जी 15 दिन को बाद में अंदर में आते हैं, 15 दिन को बाद में जब जगन्नाथ जी वापस आते हैं तीनों रथ में धूल उड़ाते हुए रथ में आते हैं। इतने में जो लक्ष्मी की जो सखियां, तब जानते हो जगन्नाथ जी आ रहे हैं, बोले आ रहे हैं। इतने में जगन्नाथ मंदिर में एक ऊंचा स्थान है, वो लक्ष्मी वहां पर जाती है, ऐसी देखती रहती है पति आ रहे हैं कि नहीं, वो जाकर के देखती रहती है, देखती रहती है। और जो जब जब अंदर में ठाकुर आते हैं ना, वो नीचे उतर आती है, नीचे उतर कर सबसे पहले बलदेव प्रभु आते हैं। बलदेव प्रभु लगते हैं जेठ है, जब जब बलदेव प्रभु आते हैं लक्ष्मी प्रश्न करके कौन आ रहे हैं, बोले तुम्हारी जेठ आ रहे हैं। बोले जेठ से कोई लड़ाई नहीं, उसको दरवाजा खोल दो। अरे बलदेव प्रभु अंदर में चले जाते हैं, उसको बात आती है सुभद्रा, बोले कौन आ रही है, बोले तुम्हारी ननद आ रही है। सुभद्रा आपको पता ननद कितना तेज होती है, बोले भैया ननद के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ननद के लिए दरवाजा को खोल दो। लेकिन जब जगन्नाथ जी आते हैं ना, लक्ष्मी प्रश्न करती है कौन आ रही है, बोले तुम्हारी खसम आ रहा है, तुम्हारी पति आ रहे हैं, बोले दरवाजा बंद करो, लड़ाई पति को साथ में, दरवाजा बंद करो, घुसने मत दिया करो, और दरवाजा बंद कर देती है। इतने में लक्ष्मी प्रश्न करती है कितने दिन के लिए गए थे, 2 दिन के लिए गए थे ना, कितना दिन हो गया,
कितना दिन हो गया, 15 दिन के बाद में घर में घुस रहे हो, जहां गए थे वहीं चले जाओ, यहाँ जरूरत नहीं, आपकी जरूरत नहीं, वहीं चले जाओ, अपना वृंदावन में चले जाओ, राधा जी के पास में, ललिता विशाखा के पास चले जाओ, यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन जगन्नाथ छलिया है, और छलिया है ना कृष्णा। लेकिन देखो जितने पुरुष लोग ध्यान देकर सुनो, अगर पत्नी को मनाना चाहते हो, पत्नी को अगर खुश करना चाहते हो, जगन्नाथ जी सिखा देते हैं, बल्कि उनको 3 चीज से खुश कर सकते हो। इसे जगन्नाथ जी को प्रश्न करते, तुम क्यों नहीं आए, जगन्नाथ जी बहाना बनाते, बोले मैं क्या करूं, विदेश गया था, जब मैं विदेश गया था खाली हाथ से थोड़ी आ सकता हूँ, तेरे लिए कुछ लिए बगैर थोड़ी खाली हाथ से आऊं, मैं तो जल्दी आना चाह रहा था, बोले देर क्यों किया, बोले तू जो साड़ी पसंद करती है ना, बनारसी साड़ी है, नीला रंग, नील रंग के सोने की एम्ब्रॉयडरी जिसमें काम है, बड़ी सुंदर साड़ी मैंने ऑर्डर दिया था तेरे लिए, और तू जो गहना को पसंद करती हो, प्योर सोने की मैंने गहना मैंने ऑर्डर दिया था, अगर वो देने में लेट कर देगा तो मैं क्या करूं। जगन्नाथ झूठ बोल देते हैं, स्त्री को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर स्त्री को खुश करना तो पुरुष लोग क्या करते हैं, उसकी मन पसंद साड़ी खरीदी करवाते हैं, वो जो साड़ी उसको प्यारा है, स्त्रियां कपड़े पहनने में शौक ज्यादा है ना, ज्यादा शौक है कि नहीं, हाँ, उनकी मन पसंद की साड़ी खरीद कराते हैं, और उनकी मन पसंद की गहना अलंकार कान की, कृष्ण कहते हैं जो तू जो कान में जो कुंडल पहनते ना, बड़े सुंदर कान की कुंडल आए, और तू जो गले में जो हार पहनती एकदम प्योर जयपुर सुना सोने की, बड़े सुंदर हार लाए हैं, और तेरे सर के लिए भी सुंदर मैंने अलंकार लाया है, तुम्हारी कमर में करधनी और प्याल पायल तुम्हारी लाए, बड़े सुंदर लाए, देखकर जो खुश हो जाओगे। जब जगन्नाथ जी झूठ मूठ ऐसे बात बताते हैं ना, इतने में लक्ष्मी का जो क्रोध एकदम हाई में था, जब ये बात बता धीरे धीरे का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है, बोले गए थे गए लेकिन मेरे को याद किया है, मेरे को जगन्नाथ जी याद किया, मेरे को मन पसंद साड़ी लाए हैं और बड़ी सुंदर गहना, बोले जगन्नाथ जी कहते तेरे को पता है और क्या लाए, बोले और क्या लाए, बोले तू जो तुम्हारी जो पसंद की जो रसगुल्ला है हाड़ियों में एकदम बढ़िया रसगुल्ला तेरे लिए लाया हूँ, तू जो रसगुल्ला की पसंद करती हो, ए रसगुल्ला के नाम सुनते ही लक्ष्मी के मुँह से पानी आ गई, लक्ष्मी के मुँह से पानी आ गई, इतने में लक्ष्मी कहती गए थे गए लेकिन मेरे को जगन्नाथ जी याद किया है, इतने में लक्ष्मी कहती है दरवाजा खोल दो, जब दरवाजा को खोल दो, फिर श्री जगन्नाथ जब आते हैं, माँ लक्ष्मी बड़े सुंदर उनकी आरती उतारती हैं, और आरती उतारते हुए अंदर में उनको जगन्नाथ जी को धीरे धीरे ले जाती हैं। इसलिए आज का जो तिथि है इसका नाम है हेरा पंचमी, मतलब जगन्नाथ जी गए हुए 5 दिन हो गया है, हेरा मतलब ढूंढना है, वो तो गए थे 2 दिन के लिए, अभी तक क्यों नहीं आए, इसलिए वो ढूंढने के लिए आई थी, और आ करके जगन्नाथ जी की पहिया और रथ को एक कोने को तोड़ देती है, तोड़ करके फिर लक्ष्मी वापस चली जाती है, इसलिए आज वो तिथि है। बोले श्री हेरा पंचमी की, बोले श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन चक्र की। देखो आज जगन्नाथ जी कथा सुन लो, थोड़ी सी ध्यान देकर सुनो, ये मूर्ति क्यों, जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े आंख क्यों, इनका हाथ क्यों नहीं, ये प्यार कहाँ गया, लगता है ये कथा आपने कभी जिंदगी में नहीं सुने होंगे, उड़ीसा के लोग जानते हैं और थोड़ी सी जानते हैं, वो बोले थे 21 दिन को बाद में खोलने के लिए, 14 दिन में राजा खोल दिया, इसलिए हाथ ऐसे हो गया, नहीं ये सब नहीं, ये सब बाहर की चीज़ है, लेकिन अंदर का चीज क्यों जगन्नाथ जी इसी रूप में प्रकाशित होगी, इसका रहस्य क्या है सुन लो। बोले एक समय भगवान कृष्ण जब वो द्वारका में रहते थे, एक दिन ब्रज की चिंतन करते करते, ब्रज गोपियों के प्रेम को याद करते करते, राधा रानी की मैया जसोदा के प्रेम को याद करते करते, एक दिन जगन्नाथ जी कृष्ण द्वारका में बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए बोले अभी क्या किया जाए, ये तो वृंदावन की प्रेम के चिंतन करते करते बेहोश हो गए। इतने में श्री नारद जी आए, तब नारद जी को बोले एक काम करो, आप थोड़ी सी वृंदावन की सुंदर सुंदर भजन गाओ, क्योंकि कृष्ण वृंदावन चिंतन करते करते बेहोश होए, फिर इनका होश आया। इतने में नारद जी कहते देखो बात तो सही बता रहे हो, लेकिन जब जगन्नाथ जी उठेंगे, कृष्ण जब उठेंगे ब्रज की कथा सुन करके,
तुम्हारे द्वारका में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो शुद्ध प्रेम है ये ब्रज में ही है। और जहां ज्यादा प्रेम मिले लोग वही जाना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण वृंदावन चले जाएंगे। बोले क्या किया जाए, बोले एक काम करो, किसी व्यक्ति को वृंदावन में भेजो, जा करके वहां पर पहले बताए कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं वृंदावन में, कृष्ण आ रहे हैं। बोले किसको भेजा जाए, बोले उद्धव जी को भेजो, क्योंकि जो उद्धव जी कृष्ण के सबसे प्यारे भक्त उद्धव जी है, इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो, बोले न तथा मैं प्रियतम आत्मा ज्वनि न शंकर, मेरा पुत्र ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, मेरी हरिहर एकात्मा शंकर भी इतना प्रिय नहीं, मेरी अंकसायनी लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, मेरे अभिन्न स्वरूप बलदेव प्रभु इतना प्रिय नहीं, और यहाँ तक भी मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं, हे उद्धव तुम मेरे जितने प्रिय हो। कहते कृष्ण नाम प्रवर मंत्री कृष्ण स दैत सखा, उद्धव इतने बुद्धिमान थे, इतने बुद्धिमान थे, इसी जगत में कोई टीचर ही नहीं मिले उसको पढ़ाने के लिए, क्यों, वो जो प्रश्न करता था किसी समझ में नहीं आता, इसलिए उद्धव जी को स्वर्ग में भेजा गया, बृहस्पति को पास में पढ़ करके आए, इसलिए बोले उद्धव बुद्धि सत्ता सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान उद्धव जी, इसलिए बोले काम करिए उद्धव जी को ब्रज में भेजो। उद्धव बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों, बोले एक बार कृष्ण मेरे को भेजे थे, ये ब्रजवासियों का सांत्वना दो, मैं जब ब्रज में गया देखा कृष्ण विरह में सारे ब्रजवासी कृष्ण विरह में रो रहे थे, उनका आंखों का आंसू तो पर्णाला बन करके जाकर के यमुना में मिल रहा था, मैया जशोदा बेहोश होकर खड़ी हुई थी, राधा रानी तो बेहोश होकर कमल फूल की सज्जा में बेहोश होकर खड़ी हुई, कोयले कुहकू कूदते नहीं, मयूर केका नहीं करते, सारे ब्रज कृष्ण विरह में डूबा हुआ मैंने देखा, और देख करके मैंने उनको बोल करके आया था मैं जरूर कृष्ण को लेकर के आऊंगा, मैंने जब बोलता हूँ ब्रजवासियों का विरह कृष्ण हाँ हूँ करते हैं, लेकिन कृष्ण जाने के लिए तैयार नहीं होते, अगर दो बार मैं जाऊँ ना बोले भाई कोई झूठा आ गया, बोला था कृष्ण को लेकर के आएगा अभी तो ला नहीं पाए, बोले दो बार आया भैया मैं नहीं जाऊँगा, बोले फिर किसको भेजा जाए, बोले ताऊ भैया को भेजा जाए श्री बलदेव प्रभु को, बलदेव प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, बोले क्यों, बोले मैं भी ब्रज में गया था और गोपियों के साथ मैंने रास भी किया है राम घाट में, सखाओं को मैंने मनाया, लेकिन जो कृष्ण की जो गोपियां थी राधा रानी उनको मैं किसी तरह से सांत्वना नहीं दे पाया, मैंने भी बोल करके आया था जरूर मैं कृष्ण को लेकर के आऊंगा, लेकिन अभी तक भी ले नहीं पाया, अगर मैं जाऊंगा ना बोले कोई झूठा फेरा आ गया, बोले भैया किसको भेजा जाए। इतने में सुभद्रा देवी राजी हुई, बोले देखो मैं स्त्री हूँ, स्त्री स्त्रियों को अंदर में चली जाती है, मैं तो स्त्री हूँ इसलिए गोपियों के पास मैं चली जाऊंगी, मैया जशोदा की समझा दूंगी, क्योंकि मैं स्त्री है ना, स्त्रियों को अंदर में आसानी से प्रवेश कर सकती हूँ, इसलिए मैं जाती हूँ, मैं बता करके आता हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है पहले स्त्रियों को कभी भी अकेले घर से बाहर नहीं जाने देते, देते थे कोई भाई जाएगा, नहीं तो पति जाएगा, नहीं तो पिता माता जाएगा, शास्त्र में बताया स्त्रियों को कभी भी अकेले बाहर नहीं भेजनी चाहिए, नियम है, जब श्री सुभद्रा बोली जाऊंगी अभी अकेले स्त्री को कैसे छोड़ते, इतने में श्री बलदेव प्रभु ने कहा मैं जाऊंगा, अपना बहन को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, बहनी को साथ में मैं चलूंगा, इसलिए बलदेव प्रभु राजी हुए, बोले एक काम करो हम तीनों के लिए तीन रथ बनाओ, तीनों के लिए तीन रथ बनाओ, बलदेव प्रभु बड़े भाई है पहले बड़े भाई जाएगा, सुभद्रा स्त्री है स्त्री को कभी स्वतंत्रता में छोड़ते नहीं, अपना आश्रम में बीच में रहेगी, और कृष्ण जब जगेगा है तो कृष्ण एक रथ में बैठ कर जाएगा, इसलिए तीन रथ बनाओ, इसलिए उनके लिए तीन रथ बनाया गया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन रथ बनाए, जब रथ बनाए इतने में श्री नारद जी बड़े सुंदर ब्रज का कीर्तन किया, इतने सुंदर कीर्तन किया नारद जी, वो कीर्तन सुन करके जगन्नाथ जो बेहोश होकर पड़े हुए थे, इतने में जगन्नाथ धीरे 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 कृष्ण धीरे धीरे जब कृष्ण जगे, जब कृष्ण जगे इतने में कृष्ण वो सोच रहे थे वृंदावन है, लेकिन जब जगे वहां पर उद्धव जी को
देखा नारद जी को बोले तुम ब्रज में, तुम कहां से आए हो? बोले कन्हैया अभी तुम ब्रज में नहीं हो, अभी तुम द्वारका। तुम ब्रज की चिंतन करते करते गोपियों की राधा जी की तुम बेहोश होकर पड़ गया था। तेरे को होश दिलाने के लिए हम लोग ने ये भजन गाए। इतने में जो भजन गाए बोले मैं अभी ब्रज में जाना चाहता हूँ। बोले हमें पता था तुम जाओगे ब्रज, इसलिए तुम्हारे लिए रथ भी तैयारी है, सुभद्रा भी जाएगी और श्री बलदेव प्रभु भी जाएंगे। इसलिए रथ यात्रा जो लोग देखे होंगे, यहाँ पर तो छोटे जगन्नाथ जी है, पुरी में जो जगन्नाथ वहाँ तो जगन्नाथ जी, और बड़े बड़े पंडित लोग उनको जैसे कि चिट्ठी जैसे चार तरफ में घिरे रहते ना, जगन्नाथ जी को कमर में रस्सी बांध कर इतने विशाल स्वरूप कितने पंडित लगे रहते हैं। आप देखना रथ यात्रा की जो पांडी विजय कहते हैं जगन्नाथ जी रथ में, आप देखे होंगे जगन्नाथ जी कैसे जाते हैं, मेरे तरफ में देखो, कभी ऐसे गिरते हैं, कभी ऐसे गिरते हैं, कभी सामने गिरते हैं, कभी पीछे गिरते हैं, देखे कि नहीं? बोले ऐसे क्यों, वो सीधा क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो कृष्ण है वो ब्रज प्रेम में डूबे हुए थे। जगत का जो नशा है ना, रात को पियो सवेरे नशा खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति रस को कोई पान करे फिर तो रस नशा उतरती नहीं है, नशा उतरती नहीं। इसलिए कृष्णा भी ब्रज वासियों का प्रेम रूपी वो शराब को पी कर रखे, ये भक्ति रूपी शराब को पी कर रखे। इसलिए पीने का नाते जगन्नाथ जी क्या करते हैं, कभी पीछे कभी आगे, कभी ऐसे कभी ऐसे, जगन्नाथ जी ऐसे करते करते जगन्नाथ जी जाते हैं लेकर के। हाँ देख लो बाबा दिखा रहे हैं, ये जगन्नाथ जी है जो पुरी में जगन्नाथ जी है, हैं? जय जगन्नाथ महाप्रभु की, जोर से बोलो बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की। इसलिए जगन्नाथ जी हिलते डोलते रथ को ऊपर बैठते, लेकिन देखो उधर क्या हो रहा। इतने में राधा रानी ललिता विशाखा को कह रही है, बोले हे ललिता विशाखे, इसको पत्र, इसलिए हे ललिता विशाखे अभी तक कृष्ण बोल करे गए थे आज जा रहा हूँ, कल कंस को मार करके परसों आ जाऊंगा, लेकिन अभी तक भी कृष्ण वापस नहीं आ रहे। कितने साल बीत गई, मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी कृष्ण कब आएंगे, लेकिन अभी तक भी कृष्ण नहीं आए। इसलिए और मैं ये विरह को मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं प्राण त्याग कर रही। लेकिन हे ललिता विशाखे एक काम करना, मैं चाहता हूँ मरने का बाद में भी जैसे ये शरीर कृष्ण सेवा में लग जाए। एक काम करियो, मेरे शरीर में जो पानी है, किंतु पंच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है, शरीर में जो पानी है ये पानी को लेकर के कृष्ण जो सरोवर में लीला करते हैं, ये पानी को लेकर उसी सरोवर में डाल देना। इसलिए कृष्ण जब जल विहार करेंगे कम से कम कृष्ण शरीर को मैं स्पर्श करूँगा। मेरे शरीर में जो आग है इसको शीशा, कृष्ण जो शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, मेरे जो आग को शीशा में ही धर देना। मेरे शरीर में जो वायु है हवा है, कृष्ण जिस आंगन में खेलते हैं वहीं पर, जैसे पंखा में कृष्ण को पंखा झुलाते हैं, वो वहीं पर छोड़ देना। कम से कम कृष्ण का शरीर को हवा में धरूंगा। मेरे शरीर में जो मिट्टी है, बोले कृष्ण जिस आंगन में कृष्ण खेलते कूदते हैं उसी आंगन में मिट्टी को लेकर रख देना। कृष्ण जब पीड़ा करेंगे उनको शरीर को मैं स्पर्श करूँ, मैं प्राण त्याग करने जा रही हूँ। जब राधा रानी प्राण त्याग करने जा रही थी, एकदम त्याग करने जा रही थी, इतने में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रथ को पर बैठी करके पहुंच गए वृंदावन में। जब वृंदावन में भगवान पहुंच गए, इतने में ललिता विशाखा राधा जी की कान में कह रहे हैं, बोले हे राधे प्राण त्याग मत करो, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, प्राण त्याग मत करो। जब राधा जी की कान में ये बात बताए, राधा रानी तो प्राण त्याग ही करने जा रही थी, इतना बोलते राधा रानी फिर जग गई। जब जग गई इतने में कृष्ण बलराम सुभद्रा तीनों वहां पर पहुंचे। जब पहुंचे, जब उन्होंने राधा जी के प्रेम को दर्शन किया, हमारी गोस्वामियों ने क्या किया, दीपो निमाद किल किंची, और उनके शरीर में जो 10 तरह का जो भ्रमर गीत भागवत में आता है, भ्रमर गीत आती है, वो 10 भाव
एक एक श्लोक एक एक भाव का है, हाँ? चित्र जल्प, अभि जल्प, संजल्प, विजल्प, ये प्रेम का एक एक नाम दिया गया एक एक श्लोक को। राधा रानी की शरीर में वो जो दिव्य उन्माद, जो चित्र जल्प, वो जो मादनाख्य जो महाभाव है, जब कृष्ण दर्शन के राधा जी की प्रेम को दर्शन करते 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 स्वयं कृष्ण राधा जी की प्रेम में, कि जो बड़े बड़े आंख देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, वो राधा जी की प्रेम से ही द्रवीभूत होकर के जगन्नाथ है इसे बताए, वो राधा जी की प्रेम में। इसलिए जो जगन्नाथ जी का जो अष्टक कहते हैं ना, बोले कदाचित कालिद तट विपिन संगीत तरल मुदाभिरी नारी बदन कमल आस्वाद रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन गतगामी भवतु मे। वही कृष्ण है जिनके सर पर मयूर पंख, हाथ में बंसुरी, वहां पर बताए राधा आलिंगन बपू। इसलिए ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है राधा जी के प्रेम में, इसलिए जगन्नाथ जी का जो मुंह देख रहे हैं ना, देखना काला है ना, लेकिन वो काले नहीं अंदर में, हाथ देखो हाथ नहीं, तो बोले मुंह उनकी काली है, लेकिन जो शरीर काली नहीं, शरीर गोरे है। बोले क्यों ये गोरे क्यों? बोले कृष्ण स्वयं राधा जी की चिंतन करते 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 पूरा ये जगन्नाथ स्वरूप धारण किया, उनका शरीर राधा जी की रंग है, लेकिन केवल मुंह इनकी काली रंग है। बलदेव प्रभु को देखो, वो भी सफेद है, क्योंकि राधा जी के प्रेम में द्रवीभूत होकर धारण किया। सुभद्रा देवी भी इनके प्रेम को देख करके द्रवीभूत हो गए, इनकी सुदर्शन चक्र भी द्रवीभूत होकर के वो लकड़ी बन गए। इसलिए इनका जो स्वरूप है ये राधा रानी की ब्रज प्रेम में ये द्रवीभूत होकर के ये स्वयं कृष्ण बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र ये इनके प्रेममय स्वरूप श्री जगन्नाथ स्वरूप है। बोले श्री जय जगन्नाथ महाप्रभु की, सुदर्शन चक्र की जय जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो जो पीछे बैठे थोड़ी थोड़ी आगे आगे जाएंगे, जो पीछे आ रहे हैं ना वो लोग भी ठीक से बैठ जाए, थोड़े थोड़े आगे आ जाए। हरे कृष्ण। आप लोग थोड़े थोड़े आगे आगे आ जाओ, पीछे लोग भी बैठ जाए, एकदम आगे आ जाओ, आगे सामने जगह है। आप लोग थोड़ी थोड़ी आ जाए भैया, आप भी थोड़ा आगे आ गए और तो आगे। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे चंडाल क्यों नहीं हो? अगर वो मेरे नाम को लेते हैं,
समझना वो पूर्व जन्म में चार काम करके आए, कितना काम करके आए, हर जोर से बोला। आज मैं बोलूंगा कल आप से सुनो। पहला काम है बोले पृथ्वी के जितने तीर्थ है वो व्यक्ति सारे तीर्थ में नहा चुके हैं। बोले पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोलो जोर से, पहले मैं क्या बताया था, तुम लोग सब याद नहीं करता। पृथ्वी में 6 अरब तीर्थ है, कितना तीर्थ है, 1 अरब कितना होता है, 100 करोड़। बोले 6 अरब मतलब क्या, 600 करोड़, ये भगवान खुद कहते हैं। बोले पिछली जन्म में जिसने 600 करोड़ तीर्थ में जो नहा करके आए। दूसरा काम क्या है, पृथ्वी में जितने दान पुण्य है, असल में दान पुण्य है, पूर्व जन्म में सारे दान पुण्य जो करके आए। तीसरा काम है पूर्व जन्म में जो सारे तपस्या करके आए। और चौथा काम है जितने तरह के बड़े से बड़े यज्ञ जो पूर्व जन्म में करके आए हैं, वही व्यक्ति इस जीवन में भगवान का नाम को ले सकता है। इसलिए जो व्यक्ति हरि का नाम लोगे ना, समझना पहले हमने 4 काम करके आए, नहीं तो मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकलेगा। इसलिए और मैं एक बात बताया था, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं उनका 3 काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है, क्या क्या हो जाता है बोलो, मैंने पहले बताया, बोलो कौन बोलेगा, हम लोग कथा नहीं सुनते यहाँ गप्पे मारने आते हो। हाँ और एक बार सुन लो, कहते जो 3 काम भगवान का नाम लेके 3 काम हो जाता है। पहला काम है, देखो भगवान नाम लेने का कितना महत्व है, पहला काम है चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते, चित्रगुप्त कौन है जो सारे हमारे फोटो को ले रहा है, सारे जो पाप पुण्य कर्म जो कर रहे हैं, कहते चित्रगुप्त को जब महाराज बुलाते, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम यहाँ से काट दो। बोले किसी लिए, बोले हरि का नाम ले रहा है ना वो कभी नरक नहीं आएगा, कभी नरक नहीं आएगा। हम लोग ताली नहीं बजाएंगे, हम पहला काम कभी नरक नहीं आएगा। बोले दूसरा काम क्या है, बोले गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को बोलते, बोले रजिस्टर ले आ। बोले क्यों, बोले ये व्यक्ति का नाम लिख दे। बोले किसी लिए, बोले हरि का नाम ले रहा है ना वो सीधा मेरे दासी बन करके वो गोलोक वृंदावन में जाएगा, तो बोलो वृंदावन जाएगा। बोले तीसरा काम क्या है, बोले ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में आरती का थाला सजाना शुरू कर देते। बोले किस लिए, वो व्यक्ति भूर भुव मोह जना तप और सत्यलोक जब पार करेगा उसको मैं आरती उतारूंगा, उसको मैं आरती उतारूंगा। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं, कितने महिमा प्रभु का नाम जो लेते हैं। आप लोग तो भारतीय हो, ध्यान देकर सुना, भले ही जिंदगी में जो कुछ करना कर लो, जब शरीर छूटेगा, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, आप बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं, वो जो ऊपर लेटा हुआ है, क्या देख बेटा जितने तुमने कृष्ण राम का नाम लिया अभी वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने दुनिया में जो कुछ किए हो एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ नहीं जा रहा है, सब कोई बात झूठा है, केवल जितने प्रभु का भजन किया वही जा रहा है। इसलिए मीरा कहती है पार्वती जी मैंने राम रत्न धन पायो, भैया केवल प्रभु का जितना भजन किया वही जाएगा, लेकिन जगत में सब ही खोवाए, और जब खोवाए सबके सब जो जाएगा फिर वो नाम क्यों नहीं करते हो। इसलिए सबके सब मेरे पीछे पीछे जोर जोर से ताली बजाते हुए हरिनाम करना, बोला हरे कृष्णा कृष्णा I'm gonna go get some more.
एक तरफ असुरगण समुद्र को मंथन कर रहे थे,
उसी समय ये पर्वत धीरे धीरे नीचे होने लगा। अब भगवान स्वयं कश्यप रूप धारण किए और अपने पीठ के ऊपर पर्वत को धारण किया। बोल कश्यप भगवान की। फिर भगवान ने देखा कि धीरे धीरे समुद्र से सारे रत्न किस प्रकार उच्चे प्रवाह अश्व हस्ती और पंचजन्य संघ चंद्रमा लक्ष्मी जी ये सारे के सारे रत्न प्रकट हुए और उसके पश्चात भगवान स्वयं मन्वंतरी रूप धारण करके अमृत लेके प्रकट हो गए। फिर अमृत को देख के देवता और असुरों में भैया लड़ाई हो गया। देवता बोले अमृत हम पिएंगे, असुर बोले नहीं अमर तो हमें ही होना है। अब इतने में भगवान ने फिर मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके असुरों को ऐसे मोहित कर दिया कि बता रहे हैं अमृत जो कलश था वो मोहिनी के हाथ में था और देवता को तो पिला दिया अमृत और असुरों को पिला दिया मदिरा। अब शराब पीने के बाद कैसा स्थिति है आप सब लोग भली भांति जानते हो। अब इसके पश्चात क्या हुआ ना, देवता और असुरों में संग्राम हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और देवता तो अमृत पी के अमर हो चुके थे और असुर सब इधर उधर करके माताल हो रहे थे। अब सारे के सारे असुर मारे गए देवता के द्वारा, सारे असुर का वध हो गया, सारे असुर का विनाश हो गया। देव गुरु शुक्राचार्य देखे अरे मैं गुरु हूँ, शिष्य ही नहीं रहे तो मेरा क्या महिमा होगा। अब इतने में शुक्राचार्य को भगवान बोलते हैं, गीता में बोलते हैं कि अहम शुक्राचार्य, कि गुरुओं में मैं ऋषियों में मैं श्रेष्ठ हूँ, भृगुवर मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं ऋषियों में मैं स्वयं शुक्राचार्य हूँ और इनको संजीवनी विद्या का पता था। अब इतने में शुक्राचार्य वहां पे गए और अपने कमंडल पे जल लिए और संजीवनी मंत्र जैसे पढ़ करके छिड़क दिए, तक्षणा सारे असुर वहां पे जागृत हो गए, पुनः जैसा तेज पुनः जैसा असुर जैसे दिखने में वो पूरा का पूरा ऐसे हो गए। अब शुक्राचार्य के चरण में पड़ गए और बोले बलि महाराज जी, असुर के जो राजा बोल रहे कि दैत्यराज बलि महाराज जी शुक्राचार्य के चरण में पड़ गए कि गुरुदेव आपकी कृपा से तो बच गए लेकिन हमें बदला लेना है। बोले लो अवश्य लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस समय देवता लोग अमृत पी के तो अमर हो चुके हैं और तुम लोग तो शराब पी के मृत्यु हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन देखो अगर तुम्हें कोई विशेष शक्ति का अगर विशेष कृपा विशेष आशीर्वाद अगर मिले तो तुम उसी बल से असुर लोग बलियान हो सकते हो और देवता को फिर पराजित कर सकते हो। बोले क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? बोले देखो सबसे श्रेष्ठ बल है ये आशीर्वाद ना, कृपा का बल है और ये कृपा का बल कहाँ मिलेगा? बोले ब्राह्मणों के पास, ब्राह्मणों की सेवा करो। बलि महाराज जी तो हाथ खड़े कर दे, बोले हम गुरुदेव तो हम कहाँ असुर, सोच असोच विचार कुछ भी हमें नहीं पता, हम कैसे सेवा करेंगे, सेवा क्या होता है ये भी हमें नहीं पता, और ब्राह्मणों की अगर सेवा में भूल चूक हो गए तो लेना कि वही देना पड़ जाएगा, हाँ ब्राह्मण श्राप दे देंगे। अब इतने में शुक्राचार्य बोलते हैं देखो ब्राह्मणों को संतुष्टि करने में ज्यादा समय नहीं लगता, बस चकाचक मालपुआ राबड़ी बढ़िया बढ़िया प्रसाद खिलाओ ब्राह्मण को, घर में आसन राशन बासन और फिर देखना कितना ब्राह्मण तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अब इतने सुन के दैत्य के जो राजा थे बलि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके जाके भृगुवन से ब्राह्मणों को सेवा करने लगे, सारे ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण देते हुए सारे ब्राह्मण को चरण को पधार रहे हैं, ब्राह्मण को पुष्पमाल माला आदि दे रहे हैं, चंदन दे रहे हैं, बड़े सुंदर पकवान बड़े सुंदर व्यंजन आदि भोग ब्राह्मण को निवेदन कर रहे हैं। और बाद में जैसे ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य समय सारे दैत्य वंश को वहाँ पे ब्राह्मण लोग बड़े बड़े सुस्ति वाचन बड़े बड़े अष्टोत्तर करने लगे और बड़े बड़े हवन करने लगे, बड़े प्रसन्न बड़े आशीर्वाद करने लगे, सुस्ति वाचन आदि करने लगे और जितने ब्राह्मण थे वहाँ पे एक यज्ञ किया तो बता रहे हैं उसी यज्ञ में दिव्य कुंडल दिव्य अस्त्र शस्त्र दिव्य बड़े बड़े रथ और दिव्य घोड़े दिव्य पूरा का पूरा जितने भी युद्ध में है जो आवश्यक द्रव्य सब उसमें उत्पन्न होने लगा जिसको कोई काट नहीं है, सारे के सारे जो कवच था रथ था सब चीज ब्राह्मणों ने बलि महाराज जी को दे दिया। अब इतने में बलि महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो गए सोच रहे हैं कि अब तो मैं स्वर्ग के ऊपर युद्ध करूंगा,
स्वर्ग में देखे कि देव गुरु बृहस्पति देवता को बुलाए, अरे सुन रहे हो तुम यहाँ पे मदमस्त होके मत हो रहे हो और नाच गान नृत्य कीर्तन आदि में तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन देखो स्वर्ग के ऊपर अभी विपत्ति मड़ी आ रही है। देखो बलि महाराज जी कैसे ब्राह्मण के आशीर्वाद से बड़े तेजवान बड़े बलियान हो चुके हैं, और भगवान भी स्वयं कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। भगवान भी गाय और ब्राह्मणों के सामने भैया हाथ खड़े कर देते हैं, भगवान भी अभी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। बोले क्या करना पड़ेगा गुरुदेव कि तस्माद् प्रतिते परित्यज, कि तुम क्या करो अभी इस स्वर्ग को त्याग कर दो, इतने में ही तुम्हारा भलाई है, अगर स्वर्ग को छोड़ के नहीं जाओगे तो निश्चित रूप में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। पर जो अगेन गुरुदेव देव गुरु बृहस्पति के बात को कोई टाल नहीं पाए, सारे देवता स्वर्ग छोड़ के भग गए, और इतने में बड़े अस्त्रों के साथ बड़े तेजमयी दिव्य रथ में श्री बलि महाराज जी बैठ करके दिव्य कवच कुंडल धारण करके स्वयं प्रहलाद महाराज जी नृसिंहदेव प्रदत्त अक्षमाला उनको प्रदान किया, जो माला कभी मुरझाती नहीं, और उसको प्रदान करने के बाद स्वयं प्रहलाद महाराज जी इनके कौन है प्रहलाद महाराज जी इनके दादाजी हैं, प्रहलाद महाराज जी इनके दादाजी हैं, स्वयं इनको आशीर्वाद प्रदान किया। और जैसे ही स्वर्ग में गए स्वर्ग में देख रहे हैं अरे सिंहासन तो खाली है, अरे बिना युद्ध ही हमें क्या मिल गया, पूरा का पूरा सत्ता ही मिल गया, अब युद्ध करने के आवश्यक ही नहीं क्योंकि देवता डर के मारे भाग गए। बोले गुरुदेव आपकी कृपा से हम मृत थे जीवित हो गए। बोले जय हो गुरुदेव आपकी, आपकी कृपा से ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए, आपकी कृपा से स्वर्ग का सिंहासन भी मिल गया, अब और क्या करना। बोले शुक्राचार्य तेड़ी भ्रुकुटी करके बोल रहे हैं, बोले देखो इतने में काम नहीं चलेगा। बोले सतक्रतु पुनंभव, सतक्रतु बनो। बोले वो क्या होता है गुरुदेव। बोले 100 यज्ञ करो, 100 यज्ञ करोगे तो ये जो स्वर्ग का सिंहासन है ना ये परमानेंट तेरे नाम पे हो जाएगा, कोई हटा नहीं सकता। बोले ठीक है इतने बड़े बड़े यज्ञ तो कर ले, 100 यज्ञ और सही कर लेते। फिर यज्ञ करने लगे, यज्ञ में सारे भृगुवंश ब्राह्मण होता उद्गाता जजमान और ब्रह्मा स्वयं के स्वयं वहाँ पे जो 4 विशेष करके यज्ञ करता होते हैं वहाँ पे विधि पूर्वक यज्ञ करने लगे। इतने में ये देवता का जो माता है ये अतिथि माता ये बड़े दुखी हो गए। माताएं के हृदय बड़े कोमल होते हैं, क्यों क्यों कोमल होते हैं तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देख रहे हैं कि जो अपने जितने भी संतान ये सब इधर उधर भटक रहे हैं, माताएं बड़े कोमल हृदय के होते हैं तो ये बड़े दुखी हो रहे हैं कि अरे असुरगण तो आ गए स्वर्ग में अधिकार प्राप्त करने लगे और अभी 100 यज्ञ कर रहे हैं, भैया 100 यज्ञ के बाद तो पूरा का पूरा स्वर्ग ही उनका हो जाएगा और मेरा का जितने भी संतान है इंद्र आदि जितने भी देवता हो तो भटकते ही रह जाएंगे, उनके लिए रहने वाली के लिए कुछ भी घर मकान है नहीं। अब इतने में बड़े दुखी होके कश्यप ऋषि के पास जाते हैं और उनको प्रणाम स्तुति आदि करते हैं। फिर कश्यप ऋषि से सलाह मांगते हैं कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए, तब वहाँ पे कश्यप ऋषि बड़े शिक्षा बात प्रदान करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि देखो देवी भगवान ही आपके सारे दुख का कष्ट को निवारण कर सकते हैं, इसीलिए आप क्या करो भगवान के जो विशेष पयोव्रत है ये पयोव्रत को करो। तब अदिति देवी बोलते हैं पयोव्रत कब किया जाता है, बोले फाल्गुनम शुक्ल द्वादश्या पयोव्रतम करहंतम, फाल्गुन में किया जाता है ये पयोव्रत। बोले कब, ना शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि पे ये फागुन के महीने में होली के समय ये पयोव्रत किया जाता है। व्रत की विधि क्या है, केवल 12 दिन तक दूध पी के भगवान के नाम जप करते हुए भगवान के गुणगान करते हुए कथा श्रवण करते हुए कीर्तन करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। हम माताएं लोग भाई लोग सब व्रत करते हैं, कैसे करते हैं, व्रत के दूसरे दिन ही व्रत के पहले दिन ही सोचने लगते हैं अरे व्रत करेंगे कल कच्चू के ये करेंगे वो पूरी वो खाएंगे ये करेंगे पूरा का पूरा सोचने लगते हैं पूरा। अब जैसे ही व्रत खत्म होता है बार बार घड़ी देखते रहते हैं भाई पारण कब करें, और किसी व्रत करने के बाद अगर किसी को बोलो कि भाई ये सेवा कर लो वो सेवा कर लो, अरे तुझे पता नहीं आज मैंने व्रत किया है, आज तो मैं मोबाइल देखूंगा टीवी देखूंगा पूरा रेस्ट करूंगा, आज मैं निर्जल व्रत किया है घर के कुछ भी काम नहीं करूंगा। भैया ऐसे व्रत नहीं होता,
अदिति माता ने यहाँ पे शुद्ध स्नान किया, स्नान करके भगवान के अहर्निश नाम जप कर रहे हैं, और नाम को जप करते करते भगवान के जब ध्यान करते करते 12 दिन तक दुग्ध पान करके जब व्रत किए, 12 दिन के दिन भगवान स्वयं प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, बलभद्रवत्सल भगवान की। अब भगवान प्रकट हो गए, भगवान के दिव्य सुंदर चक्षु था, दिव्य सुंदर कुंडल था, दिव्य मुकुट है, पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे हैं, संत चक्र गदा पद्म, हृदय पे कौस्तुभ मणि है, वक्षस्थल पे त्रिवत्स चिन्ह है। अब इतने में भगवान अदिति माता के सारे मनो इच्छा को पूर्ण करते हुए भगवान बोले कि हे देवी, मैं ही आपके घर में क्या करूँगा ना, आपके संतान बन के आके सारे के सारे आपके जितने भी दुख है सारे के सारे समस्या को मैं ही समाधान कर दूंगा। अब इतने में भगवान तो कहकर अंतर्ध्यान हो गए, और समय हुआ, और जैसे ही भाद्रव के महीने प्रारंभ हुआ, तब भाद्रव के महीने में श्रवणम श्रावणम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजितम प्रभु पुण्यम सजन्मम तत्सृजल जन्मदक्षिणा तं वटुकुमामनं दुष्टा मोदमाना महर्षया। अब यहाँ पे जैसे ही श्रावण महीने भाद्रव महीने के शुक्ल द्वादशी के तिथि पे भगवान अभिजीत मुहूर्त पे जन्म दक्षिणाम वहाँ पे सारे के सारे ग्रह नक्षत्र तारा आदि सबके सब उचित सबके सब बढ़िया दिशा में सबके सब दिव्य अपने अपने स्थान पे विराजमान है, और भगवान श्री वामन देव प्रकट हो गए। बोल भगवान वामन देव की। जैसे ही भगवान वामन देव प्रकट हो गए तम वटुक वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षय। भगवान देखते ही देखते 5 साल के बड़े सुंदर दिव्य बालक दिव्य पटुक रूप धारण किया, 52 अंगुष्ठ जत्र भूमि से लेके भगवान के सर तक केवल 52 अंगुष्ठ मात्र ही है, इसलिए उनका नाम वामन देव कहा गया है। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो ब्राह्मणों के विशेष संस्कार होता है, ब्राह्मणों का विशेष संस्कार होता है वो है यज्ञ पवित्र संस्कार। तो बता रहे हैं देखो हमारे भारत में विशेष करके 16 संस्कार होता है। आजकल किसी के बच्चे को या किसी को पूछो भैया संस्कार पता है, बोले हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि सारे संस्कार लुप्त तो हो गया है। नामकरण संस्कार, हाँ, किस प्रकार अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया, मरते मरते जब अपने बेटे को पुकारा तो स्वयं विष्णुदूत आ गए, लेकिन हम अपने बच्चे का नाम क्या रखते हैं, टिंकी मिंकी फुलू गुलू, अमेरिका के सारे कुत्ते के नाम है, सारे के सारे कुत्ते का नाम है। कहीं कहीं अगर किसी किसी बच्चे का अगर भगवत इच्छा से अगर गुरु महाराज जी नाम रख देते हैं, किसी का नाम रख दिया पुरुषोत्तम, कुछ दिन के बाद वो फुल्लू हो गए, किसी का नाम वृंदा रख दिया, भाई वृंदा तुलसी देवी है, वो बिंदु हो गए। अब कोई भी भगवान के नाम लेना नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति है। और पहले में कर्ण छेदन संस्कार, गर्भधान संस्कार, सारे के सारे संस्कार था, आजकल एक भी संस्कार नहीं है। अंतिम संस्कार एक ही बचा था, जो अंतिम काल में संस्कार होता था, कोरोना ने उसको भी छीन लिया। तो इसीलिए संस्कारहीन मतलब हमारे, देखो हम लोग हिंदू है ना, हमें ये सब चीज को विशेष करके मानना चाहिए। कोई मुसलमान बच्चे को देखो, कोई क्रिश्चियन बच्चे को देखो, अपने सारे संस्कार को, सारे चीज अपने धर्म के सारे संस्कार को पूर्ण रूप में फॉलो करते हैं, लेकिन हम हिंदू ही पूर्ण के पूर्ण उस संस्कार को भूलते जा रहे हैं। तब यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के उपनयन संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार यानी भगवान को जनेऊ संस्कार, जनेऊ दिया गया, स्वयं देव गुरु बृहस्पति भगवान को जनेऊ प्रदान किए। अब नियम है कि जैसे भगवान का उप संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, जो ब्राह्मण है उनको विशेष करके पता होगा, कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा दिया जाता है, माताम भवती भिक्षाम देही पिताम भवती भिक्षाम देही, भिक्षा मांगते हैं। तो जैसे ही भिक्षा मांगना शुरू किया, साक्षात ब्रह्मा प्रकट हो गए, अपने कमंडल प्रदान किया, साक्षात सरस्वती देवी अक्षमाल प्रदान किया, कश्यप ऋषि ने मेखला प्रदान किया, अदिति देवी ने उनको गोपी नादि प्रदान किया, भगवान के वहां पे जो वनस्पतियों के देवता चंद्रमा दंड प्रदान किए, आकाश देवता छत्र प्रदान किया, पृथ्वी देवी कठोर आदि प्रदान किया, और वहां पे जितने भी सप्त ऋषिगण थे कुश श्रुव आदि प्रदान किए,
देवतागण उनको पुष्प वृष्टि करके स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, संत धुंधुवी नाद कर रहे हैं, भगवान के जय जयकार कर रहे हैं। और इतने में स्वयं यक्षराज उनको एक भिक्षा पात्र प्रदान किया और स्वयं सूर्य देवता प्रकट होके गायत्री का प्रदान किया। और जैसे ही भिक्षा करने लगे साक्षात भगवती जोगमाया अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो गई और स्वयं अन्नपूर्णा देवी उनको भिक्षा प्रदान किया। भिक्षा लेके ही बामन देव जैसे ही सारे के सारे गुरुदेव के चरणों में रख दिए और बोले गुरुदेव जय हो आपकी कृपा। अब वहां पे देव गुरु बृहस्पति बोल रहे हैं देखो बामन देव इतने में काम नहीं चलेगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले देखो इस समय त्रिभुवन का जो संपत्ति है वो बलि महाराज जी के पास है, इसलिए तुम क्या करो आप कृपा करके बलि महाराज जी के यहाँ जाओ और सारे के सारे संपत्ति को लेके स्वर्ग में लेके आ जाओ। बोले जो आगे गुरुदेव बड़े सुंदर ब्राह्मण देव के स्वरूप है, बड़े दिव्य कमंडल धारण कर रखे हैं, छत्री धारण कर रखे हैं और भगवान भृगुगच्छ नाम के स्थान पे नर्मदा के तट पे जहाँ पे बलि महाराज जी 100 यज्ञ कर रहे थे, सारे यज्ञ पूर्ण हो गया था और एक यज्ञ केवल बाकी रह गया था, अंतिम पूर्णाहुति हो रहा था, पूर्णाहुति होने ही वाला है, उद्गाता और होता बस मंत्र पाठ करने ही वाले हैं। और इतने में भगवान वामन देव प्रकट हो गए, धीरे धीरे चले आ रहे हैं वामन देव बलि महाराज जी यज्ञशाला की तरफ। और जैसे ही जा रहे हैं दिव्य तेज है तो बलि महाराज जी दूर से ही देख के सारे ब्राह्मण जितने भी सारे के सारे वहां पे जितने भी लोग थे बलि महाराज जी के समीप सारे असुर खड़े हो गए। क्योंकि देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई अगर दिव्य पुरुष, कोई अगर महत्पुरुष या गुरुवर्ग अगर हम कथा के बीच में आ रहे हैं तो नियम है उसी स्थान पे खड़े होकर उनको सम्मान करना चाहिए। और ये बलि महाराज जी के इतना संस्कार क्यों आया? क्योंकि इनके दादाजी कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान नृसिंह देव का कृपा हुआ है, इनके दादाजी स्वयं प्रहलाद महाराज जी है, इसी कारण से इनका इतना संस्कार है। अब बलि महाराज जी गोड़ करके आ गए, बामन देव को प्रणाम किए, स्वागतम ते महाभागम ब्रह्म किं करवामते, हे प्रभु आपका स्वागत हो, आपका जय हो, लग रहा है आज मेरा जो यज्ञ है, लग रहा है आज मेरा जो हवन का जो पूर्णाहुति वो सफल होने वाला है। क्यों सफल होने वाला है? कि आप जैसे महत्पुरुष, आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण अंतिम समय में मेरे यज्ञ में हवनशाला में आप आके उपस्थित हुए हो, इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके कुछ मांग लो। बोले काम कांचन गुणवद्धा ममष्टा तथा नपे अथवा प्रकन्या ग्रामां समृद्ध सुरगान जितना सोना चाहिए हाँ, अथवा अन्न पेय आपको खाने पीने के सामान चाहिए, अगर अथवा भी प्रकन्या लग रहा है आप बोने हो, अगर आप बोलोगे तो महाराज आपके जैसे ही ऐसे बटुक ऐसे छोरी को आपके साथ दूध दान करके शादी करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए सुरगान गजान, आपको क्या हाथी चाहिए, आपको क्या घोड़ा चाहिए, और तो और आपको मैं पूरा एक घर मकान सारे के सारे सब चीज दे रहा हूँ। अगर मकान नहीं चाहे तो एक एक राज्य भी देने के सामर्थ्य है प्रभु, आप कुछ ना कुछ मांग लो। इतने में बामन देव प्रसन्न हो गए तो श्रीधर गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि दातु स्तुष्टि स्वयं पृष्टि, बता रहे हैं कि किसी से अगर दान लेना चाहो, भगवान ये ठीक बता रहे हैं, किसी से अगर दान लेना चाहो तो उसको थोड़ा प्रशंसा कर लो। बोले भगवान प्रशंसा करने लगे, अरे बलि जैसे नाम सुना था ऐसे ही तुम्हारा काम ही है भाई, हाँ सुना है तुम्हारे पूर्वज हिरण्याक्ष कैसे भगवान से युद्ध किया और तुम्हारे वंश में तो स्वयं प्रहलाद महाराज जी आए, जड़ से भी भगवान को उत्पन्न करवा दिया, और तो और तुम्हारे पिता विरोचन अपने आयु को भी नहीं देखा, देवता को दान दे दिया, वैसे ही तुम्हारे मर्यादा तुम भी ऐसे दान ले जाओ जब से आए हो ले जाओ बता रहे हो। लेकिन हे बलि मैं आपके यज्ञ देखने के लिए आया था, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया था। अब वहां पे बलि महाराज जी बोल रहे हैं प्रभु देखो ब्राह्मण के बच्चे खाली किसी बिना काम से नहीं आते, इसीलिए आप ना कुछ तो आपको मांगना चाहिए, जगत कहते हैं ना शर्मा जी अरे वो ब्राह्मण ही क्या है जो शर्म करे, इसलिए प्रभु आप शर्म छोड़ दो, आप शर्म वर्म सब छोड़ दो, कुछ तो मांगो, आप बलि के पास आए हो, त्रिभुवन के राजा हूं मैं, इस समय सारे संपत्ति मेरे पास है, कुछ तो मांगो आप।
तब भगवान ने बड़े प्रसन्न होकर बोल रहे, देख बलि, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारे प्रसन्न के लिए कुछ मांग लेता हूँ। अब इतने में भगवान ने मांगना शुरू कर दिया, ददानि त्रीणि दैत्यानि संभितानि फलं मम, कि हे बलि मेरे पैर से 3 पद का भूमि दे दो। बलि तो ठाका मार के हंसने लगा, बोले महाराज बड़े देर से तो आपने मुंह खोले और खोल के भी मांग रहे हो क्या 3 पद के भूमि? जगत हंसने लगेंगे, बामन देव को तो मांगना नहीं आता था, क्या बलि को देना नहीं आता था? अरे ढंग से तो मांग लो, कुछ तो मांग लो आप, अब मांग रहे हो 3 पद के भूमि, कहां मैं आपको राज्य की बात कर रहा हूँ, 3 पद के भूमि में क्या होगा? तक भगवान बामन देव कहते हैं, देखो मैं, हम बड़े संतोषी ब्राह्मण है, पृथु महाराज जी का बेन का सारे भागवत से सारे शास्त्र से उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जिसके पास संतोष रूप के धन नहीं है, जिसके पास आत्म संतोष के धन नहीं है, उसको जितना भी दे दो भाई, उसको जितना भी दे दो वो कभी संतोष नहीं होगा। गोधन गज बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। अरे जब हृदय में संतोष धन आ जाएगा, इतने मिलकर मैं बड़े प्रसन्न हो जाऊं, ऐसे अगर हृदय में आ जाएगा तब तक सारे धन का कामना, सारे कामना ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक हृदय में कामना रहेगा, जब तक और इच्छा और चाहिए, हम लोग जॉब करते हैं ना, लेकिन हम सबके सब देखना कोई भी अपने जॉब में संतुष्टि नहीं है, बोले और 10,000 मिल जाता तो अच्छा रहता, और 2,000 मिल जाता तो अच्छा रहता, ओवर टाइम ड्यूटी करते, पता नहीं क्या क्या करते हैं, संतोष नहीं होते हैं। तो भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, जिसके हृदय में जब संतोष नाम का जब धन आएगा, तृप्ति नाम का धन आएगा, तब क्या होगा, सारे के सारे धन धूरी समान, सारे के सारे कामना ही चला जाएगा। इसलिए बलि महाराज जी को भगवान ने समझाया। अब इतने में बलि महाराज जी बोले, ठीक है आप अगर नापना चाहते हो तो बड़े एक लंबे चौड़े को ले आता हूँ, उससे पद से नाप लो, आप तो बटुक हो, कितने जगह आएगा? तो बामन देव कह रहे हैं, देख भाई, पदानी त्रीणी दत्यानी संभितानी पदाम ममा पदाम, अरे मेरे पद से चाहिए, क्यों मुझे कोई मकान बाड़ी की जरूरत नहीं है, मैं तो केवल बैठ के एक जगह बैठ के भगवान का भजन करना चाहता हूँ। बोले ठीक है महाराज, आप अगर चाह रहे हो तो नाप लो। अब इतने में भगवान जैसे ही नापना वो बोले कि भगवान नाप लो, तब बलि महाराज जी कह रहे हैं कि आप कृपा करके नाप लो। तो भगवान बामनदेव कह रहे हैं कि देखो हम ब्राह्मण हैं, दान भी लेंगे तो विधिवत दान लेंगे। बोले ठीक है विधि से लो। बोले क्या संकल्प करो? बलि महाराज कह रहे हैं कि मुझे लज्जित कर रहे हो महाराज, एक तो 3 पद भूमि और दूसरा संकल्प करवा रहे हो। बोले बामनदेव कह रहे हैं ऐसे नहीं ले जाएंगे, संकल्प सहित विधि पूर्वक लेके जाएंगे। शुक्राचार्य के प्रकटी टेढ़े हो गए, शुक्राचार्य देखने लगे, अरे भाई मैंने बड़े बड़े यज्ञ किया है, बड़े बड़े ब्राह्मण को देखा, इतना संतोषी, इतना पूरा का पूरा संतोषी, इतना तो कभी नहीं देखा मैंने। आंख बंद करने लगे, आंख बंद करके ध्यान करने लगे तो भगवान बामन देव समझ गए कि अभी गुरु जी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, अभी गुरु जी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। भगवान बोले अरे बलि तुझे देना है तो दो, नहीं तो मैं चला, मेरे राम मैं अपने चल गया, तुम्हें देना है तो दे दो। बोले नहीं नहीं महाराज संकल्प कर रहा हूँ। तो हाथ में पानी लेके संकल्प में जल लेके जैसे ही बलि महाराज ओम विष्णु 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 करके जैसे ही संकल्प शुरू किया, इतने में साक्षात वहां पे जो दर्शन कर रहे थे, अंतर ध्यान में देख रहे थे कि ये कौन है, उन्होंने प्रत्यक्ष भगवान को दर्शन करते हुए शुक्राचार्य आके बोले सावधान बलि। बलि महाराज जी को हाथ को पकड़ लिया, बोले सावधान। बोले क्या हुआ गुरुदेव? बोले ढंग से देख लो ये कौन है। बोले गुरुदेव ये तो बामन है। अरे बलि फिर से धोखा खा रहे हो, ना 52 है ना 53 है, ढंग से देखो ये कौन है, बता रहे देख, जो पहले छोरी बन के आके तुम्हें तुम सबको ठग लिया था, अभी वो बोना बन के आया है। ऐसा बैरोचन साक्षात भगवान पुरुषव्या कश्यप दिति जाता देवता कार्य साधिता। भगवान विष्णु रव्ययम, ये स्वयं भगवान विष्णु है, और तो और देवता कार्य साधिता, देवता के कार्य को साधन करने के लिए सारे के सारे चीज तुमसे छीन करके ले जाएंगे। बलि तुम जब दान दे दोगे ना कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास, ये 2 पद में ही सारे के सारे संपत्ति ले जाएंगे, क्योंकि इनका नाम विष्णु है, व्याप्ति नाम है इतने विष्णु, ये पूर्ण व्याप्त हो जाएंगे और सारे के सारे संपत्ति ले जाएंगे।
अब इतने में बलि महाराज जी ने अपने गुरु को बड़े बहुत विकृत चरित्र है। बलि महाराज जी गुरु जी को बोलते हैं कि प्रभु अगर ये सच में ब्राह्मण है, सच में ये ब्राह्मण है तो यहाँ से ये सीधे हाथ तीन पग भूमि से लेके चले जाएंगे। अगर ये स्वयं भगवान है तो हो भाग्य, मेरा कितना भाग्य है प्रभु, जिनके चरणों में, जिनके चरण में लक्ष्मी भिक्षा करते हैं, जिनके चरणों में जिन कोटि कोटि ऋषि मुनि गंधर्व तपस्या करते हैं, वो आज मेरे द्वार पे आए हैं। इससे बड़ा और मेरे पास क्या सौभाग्य होगा। यहाँ पे शुक्राचार्य को त्याग कर दिया, जैसे ही बलि महाराज ने जल नीचे छोड़ा, भगवान वामन देव विस्तृत रूप हो गए, बल्कि विक्रम भगवान की एक पग में तो भगवान वामन देव स्वर्ग के ऊपर के सारे लोग नाप लिए, दूसरे पग में भगवान ने नीचे के सारे लोग नाप लिए। और जैसे ही भगवान ने बोला कि बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं, सारे के सारे पृथ्वी तो मेरा हो चुका है, तुम्हारा शासन तो स्वर्ग लोक था, मैं तो ब्रह्म लोक तक नाप लिया, तीसरे पैर कहाँ रखूं। बलि ने बड़े दीनहीन होके बोला कि प्रभु आप ही तो गीता में कहते हो इदम क्षत्रिय कुंतेयम क्षेत्रम इति अभिधीयते, कि ये शरीर भी तो एक क्षेत्र है, अभी तक केवल मैं दान कर रहा था, दानी तो बाकी है, इसलिए आप सर तीसरे चरण मेरे सर पे रखो। तो भगवान वामन देव तीसरे चरण पर भगवान के बलि महाराज जी के सर पे रखते हैं और बलि महाराज जी को कृतार्थ किया, बोल भक्तवत्सल भगवान की, बलि महाराज जी की, और वामन देव की, और ब्रह्मानंद देव। हरे कृष्णा, वामन देव कहाँ है, वामन देव ले आओ, वामन देव जी इधर आ जाओ, सामने आओ, सामने आ जाओ। देखो अभी भगवान वामन देव आपके पास में भिक्षा लेने जाएगा, भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। सुदामा जी ने दो मुठी चिड़वा दिया ठाकुर जी, त्रिभुवन का राज्य दे दिया, इसलिए अभी ठाकुर जी आपके पास में कुछ लेने जाएंगे, आप लोग थोड़ी थोड़ी उसको भिक्षा देना, ठाकुर को देने का बड़ा पुण्य है। भगवान को भिक्षा दो, खाली ले आप क्या
ये दोनों ने मिल करके आज प्रसाद दिया। अब इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। आज जिनका नाम लिया गया, जिनका नाम लिया गया ठाकुर जी, हाँ राधे श्याम ग्रुप। कौन कौन राधे श्याम ग्रुप में आ जाओ जाए। ठाकुर जी इनको खूब पैसा दे और हर साल कथा में ऐसे ही सेवा करते रहे। आ जा भैया, क्या नाम है? राधे श्याम ग्रुप वाले कौन है आ जाओ। राधे श्याम ग्रुप के कौन भक्त लोग आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ। सबसे भिके लिया कि नहीं, आगे वाले ले आओ वहां से। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो अभी तो भगवान आ जाओ, आज तो भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं और कल श्री राधा रानी जन्म लेगी। कौन जन्म लेगी? राधा रानी। आज कौन सा रंग के साड़ी पहन के आए हो? पीला रंग के। और कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन के आए, क्योंकि जो गुलाबी रंग है वो प्रेम का रंग, गुलाब रंग है। अरे इनके लिए ताली बजाओ। भागवत कथा में जो एक अन्न का दाना देता है, एक अन्न का दाना, क्या उसको घर में किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगी। माँ लक्ष्मी घर में भरपूर रहती है। जैसे सुधान दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या प्रभु जी नाम दो यशोदा कृष्ण को तय कर दिया। हाँ अभी भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता स्वम सूर्यो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। जब से सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव को वंदना करने जा रहे हैं, कह रहे हैं भगवान की जन्म नहीं है, भगवान अजन्मा है। लेकिन वो अजन्मा होते हुए जन्म क्यों फैल लिया? बोले अनुग्रहाय भक्तानाम, भगवान भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करना चाहते हैं। अगर ठाकुर जी जन्म नहीं लेते तो जैसे आज भगवान की जन्मोत्सव मना रहे हैं, फिर क्या जन्मोत्सव मनाते? नहीं। फिर क्या ठाकुर जी कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। इसलिए भक्तों को ऊपर में कृपा करने के लिए ठाकुर जी अजन्मा होते हुए भी ठाकुर जी जन्म लिए हैं। ठाकुर जी बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। आनंद
बंद नहीं है, कोई जेल के है बोले, जोर से बोलो बोले श्री नंद के लाला की जय। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये कृष्ण कथा प्रारंभ कर रहे हैं, इतने में उन्होंने एक ऐसे एक श्लोक बोले और एक श्लोक में पूरी भागवत कथा वर्णना कर दी, कैसे कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कैसे गोकुल में गए और नंद के आनंद भाई हो जय कन्हैया। मेरे तरफ से उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो सबके सब, इसलिए हाँ क्या तैयारी हो रही है, उनको लेकर इधर आ जाओ पीछे ले आ। बल्कि वृंदावन बिहारी लाल की, तब उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक में ही कैसे अघासुर कुमारे, बकासुर कुमारे, पुतना कुमारे, कृष्ण कैसे गिरिराज गोवर्धन को धारण किए, कैसे ठाकुर जी रास रचाए, मथुरा में कंस को उद्धार की और भगवान द्वारका जाकर के 16108 पटरानियों से शादी की, हर रानियों से 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई और भगवान ब्राह्मण का अभिशाप को ग्रहण करते हुए प्रभास क्षेत्र में ठाकुर जी अपना धाम में चले गए। इतना बोल करके ठाकुर सुखदेव गोस्वामी उन्होंने भागवत को समाप्त कर दिया। परीक्षित महाराज बोले क्या हो गया, बोले बोल तो दिया पूरी तो कृष्ण कथा सुना है, बोले मैं तो 4 दिन से बैठा हुआ हूँ कृष्ण कथा सुनने के लिए, क्यों, कृष्ण मेरे कुल देवता है, जब मैं मातृगर्भ में था अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया था, भगवान कृष्ण मेरी मातृ की गर्भ में प्रवेश करते हुए ठाकुर जी मेरे को प्राण देना काम किए थे, मैं तो 4 दिन से बैठा हुआ कथा सुनने के लिए, जैसे अगस्त ऋषि ने एक चूल भर में संपूर्ण समुद्र को पान कर लिया, आप तो एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दिया। सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित 4-4 दिन हो गया, अभी तक तुम एक बूंद को पानी भी नहीं पिया, थोड़ा पानी तो पी लो। बोले प्रभु जी पानी के लिए तो जितना झगड़ा हुआ, मैंने ऋषि को पास में गई पानी मांगने के लिए और पानी नहीं दिया तो गले में मृत सर्प को डाल दिया और सिंगी ऋषि ने मेरे को अभिशाप दिया है, अब पानी की बात मत करो, आपकी मुखार विद से कृष्ण कथा रूपी जो मंदाकिनी की नदी बह रही है, प्रभु जी मुझे बोलो गल के साथ, जब कृष्ण कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बह रही है उसी में ही मैं डूब रहा हूँ, आप कथा को बंद मत करो, कथा बंद होते मेरे को प्यास लगने लगी जाएगी। फिर श्री सुखदेव गोस्वामी 3-3 दल तक केवल कृष्ण कथाओं में सुनाए, इसलिए बोले 3 गंगा है, कितना गंगा है, अरे बोलो जोर से बताओ क्या क्या, हाँ सुन लो, एक गंगा है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी कहते हैं, वो देवता को कल्याण करती है, एक इसी मरते जगत में जिसका नाम भागीरथी, भागीरथ में जो गंगा को लाई है जिसका नाम भागीरथी मरते जगत में कल्याण करता है, एक गंगा पाताल में जिसका नाम भोगवती, वो पाताल लोग कल्याण करती है, ये 3 कथा 3 गंगा तो 3 लोगों को पवित्र करती है, लेकिन जो कृष्ण कथा है ये कृष्ण कथा गंगा से भी श्रेष्ठ है, ये गंगा से भी कृष्ण कथा श्रेष्ठ है, इसलिए कहते हैं ये 3 लोगों को कथा पवित्र करती है, बोले किसको, बोले सुनने वाले, सुनाने वाले और प्रश्न करने वाले, ये 3ों को कृष्ण कथा पवित्र करती है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, बोले निप्रीत तसई रूपगीय कृष्ण कथा इतने मीठी है, कृष्ण कथा इतने पवित्र है, कहते जो आत्मा में जो रमण करने वाले सुखदेव गोस्वामी जैसे चतुर्संग जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को भी कृष्ण कथा में इतना मीठा है, वो सबको आकर्षण करता है कृष्ण कथा। अगर ये भवसागर से कोई पार होना चाहते क्या करो, बोले सबसे मीठी दवा कृष्ण कथा है, जो व्यक्ति ये कृष्ण कथा को सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तेरे को कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल बैठो और बैठ ही बैठ कर कथा सुनो, सीधा भगवान के पास में चले जाओ, इसलिए कृष्ण कथा बड़ी मीठी है। ये क्या है, बोले भव औषध छत्र, कहते भव रोग का जो बीमारी का जो दवा है ये कृष्ण कथा, बोले भैया दवा जैसे एलोपैथी कोई दवा हो क्या करता है, बड़ा कड़ू है पानी लेकर छट गटक लेते हैं, क्या कृष्ण कथा किया ऐसे ही कड़ू ही, बोले नहीं, बोले सूत्र मनोभिरामात
हृदय और मन को कान को आनंद देने वाली ये कृष्ण कथा है। तब उन्होंने कृष्ण कथा को उन्होंने प्रारंभ किया। और जिस समय कंस ने देवकी को शादी करवाए और स्वयं रथ में बैठ करके विदाई दे रहा था, बीच में आकाशवाणी हुई, बोले रे मूढ़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने पूर्वक आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, देवकी की अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देववाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। निकला तलवार और पकड़ लिया देवकी चोटी को, जब मारने जा रहा था इतने में वसुदेव का एक नाम आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी का मतलब है जिस समय श्री वसुदेव महाराज जन्म लिए, भगवान के पिता है ना, आकाश में देवता लोग भी नागड़ा बजवाए शंख ध्वनि की, क्यों, भगवान के पिता जन्म ले रहे हैं। इतने में वसुदेव महाराज साम दाम दंड भेद नीति से समझाने के लिए कोशिश किया, बोले कंस बहे शादी का समय में मारोगे दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी, बोले मैंने भी सुनी है। बोले बताओ तुम मरोगे नहीं, बोले मरूंगा। जब तू एक दिन मरोगे फिर बहनी को क्यों मार कर मर रहे हो, इसलिए कौन मरता है, कहते ये शरीर मरती है, आत्मा तो न जायते न मृियते और जो नित्य शाश्वत है, नहीं नम छंदति शस्त्राणि नहीं नम दहति पावक, ये अग्नि में जलती नहीं, शस्त्र में काट नहीं सकते, पानी में भीगने वाली नहीं आत्मा, ये अजर अमर है, क्षय विकार से अतीत है, ये शरीर मरता है आत्मा थोड़ी मरती है। बोले मरूंगा तो बाद अभी क्यों मरूंगा। जब उन्होंने बहुत तरह से समझाए लेकिन किसी तरह से छोड़ेगा नहीं, बोले तू मेरे को जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे बच्चे तेरे को देगा, लेकिन तू अपना बहन को मत मार, ठाकुर की इच्छा है। पहला बेटा हुआ तो कंस को सीधा लेकर दे दिया, उसका हृदय तो द्रवित हो गया, अपना बच्चे को भूताल को हाथ में संतुष्ट हो गया, ले अपना बेटे को ले लेना। अष्टम गर्भ संतान से मतलब है, नारद जी का भैया गड़बड़ी हो गया, बोले क्या हो गया, बोले भगवान कब जन्म लेंगे, बोले जब पाप की घड़ा भरेगी, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव उमड़ आया, ठाकुर आने में देर करेंगे। इतने में स्वयं नारद जी वहां पर प्रकट होते हैं, बोले श्री नारद बाबा की। नारद जब आए तो एक अष्ट जिसमें आठ पंखुड़िया हो एक कमल फूल लेकर के आए थे, बोले कंस ये बताओ ये आठ जो पंखुड़िया इसमें पहला नंबर कौन और आठवां नंबर कौन। तो उन्होंने गिने, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले उल्टा गिनो, बोले एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, बोले समझ गया, बोले गुरु के बगैर ज्ञान थोड़ी होता, आप ही बताओ। बोले देख ये देवताओं को वाणी समझना कठिन है, उसने बोले अष्टम गर्भ का संतान मारेगा, तू इधर से गिन रहे हो, अगर वो उल्टा गिने तो क्या होगा, जिसको एक कर रहे हो आठ हो जाएगा और आठ हो जाएगा एक, जब आठ भाई जन्म लेंगे बड़े होएंगे कि नहीं, बोले होएंगे, बोले तेरे को सब मील करके मारेंगे। बोले गुरुजी फिर क्या करनी चाहिए, सबको मार दूं, बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा काम जानता, भड़का दिया कंस और नारद जी भाग गए वहां से। इतने में कंस तुमको छह छह बच्चों को बस मार डाले। अभी सप्तम गर्भ में भगवान स्वयं श्री बलदेव प्रभु आए, ये रोहिणी के बेटा बन करके ये धाम स्वरूप श्री बलदेव प्रभु जो भगवान को धारण करने वाले, इसलिए सप्तम गर्भ में श्री बलदेव प्रभु आए। अभी अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आने वाले हैं, लेकिन भगवान जब कृष्ण आने वाले हैं कहते भगवान का जो जन्म है, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म क्षमे दिव्यम एवं जह व्यतीतत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। बोले हे अर्जुन मेरा जो जन्म और कर्म है ये दिव्य और अवलोकित अपराधित है, अगर इसको तत्त्वतः अगर कोई जान लेता है शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। हमारी जन्म कैसे हुआ, हम लोग कैसे जन्म हुए, पिता माता के मिलन से शुक्र जन्म है शुक्र से, लेकिन हमारी शरीर कैसे, बोले खीति जल पाप का गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, हमारी शरीर अधम शरीर काटी पेशाब का थली है,
इसलिए पिता माता की मिलन से हुई है। लेकिन भगवान का स्वरूप कैसे है, बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि एतव। इसलिए भगवान का शरीर ऐसे नहीं, सात चीत और आनंद को द्वारा प्रभु बने हुए। इसलिए जब भगवान कैसे जन्म हुए, सर्वप्रथम श्री वसुदेव महाराज देवकी को सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाई। भगवान सप्त ब्रह्म रूप में देवकी की कानों को माध्यम से हृदय में गए, उसके हृदय में गए, फिर भगवान जन्म हुए। हमारे जैसे जन्म की भगवान का नहीं है, क्योंकि वो दिव्य अपराकृत भगवान है। और भगवान जो जन्म हुए अष्टम गर्भ में, कौन सा गर्भ में आए, हर जोर से बोला अष्टम गर्भ में क्यों आए, इसका रहस्य समझ लो, थोड़ी सी समझ लो। भगवान ये आठवां गर्भ में क्यों आए, सात में क्यों नहीं, छह में क्यों नहीं। इसलिए भक्ति की आठ सोपान सीढ़ियां हैं। भक्ति का सबसे जो पहला जो सीढ़ी है, जिसका नाम कहते श्रद्धा। क्या नाम है, श्रद्धा। जैसे हमारे अंदर में श्रद्धा है, तभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो। अगर श्रद्धा नहीं हो तो बैठे यहाँ पर नहीं बैठते। भक्ति का सबसे पहला सीढ़ी श्रद्धा, फिर दूसरा सीढ़ी बोले साधु संघ, जैसे श्रद्धा में आकर के बैठे संतों से कथा सुन रहे हो। बोले तीसरा भक्ति क्या है, बोले भजन क्रिया। बोले भजन क्रिया मतलब जब हम सत्संग करते हैं, इसलिए कहते हैं ना गोस्वामी जी, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की, इतना सुन लो। बोले बगैर सत्संग से ज्ञान नहीं होता है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो ना, जीवन में सत्संग नहीं मिलता है। फिर तीसरा जो स्टेज है, जब हमें पता चलता है हम कौन है, हम भगवान की संतान है, उनके भूलने का वजह से संसार में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, फिर क्या होगा, तीसरा स्टेज में भजन करता है। बोले चौथा स्टेज किया, बोले अनर्थ निवृत्ति। जब भगवान की भक्ति करेंगे, हृदय में जो काम क्रोध लोभ बैठा हुआ, ये धीरे धीरे खत्म हो गया। बोले पंचमा स्टेज किया है, बोले निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या होता है, जब हम भक्ति करेंगे, भक्ति में पक्की हो जाते हैं, भले ही जीवन में जितने बाधा विपत्ति आए, कभी प्रभु का भजन कभी नहीं छोड़ते हैं। जैसे मीरा का ऊपर में कितना विपत्ति आई, लेकिन मीरा ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी कभी, इसलिए एक दिन कृष्ण उनको दर्शन दिया। बोले छठवां स्टेज किया, बोले रुचि। बोले रुचि मतलब क्या है, बोले रुचि कहते हैं फिर भगवान की भक्ति इतनी अच्छी लगेगी, फिर तो प्रभु की भक्ति के सिवाय हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, और कोई अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए रुचि। उसके बाद में फिर निष्ठा भाव आती है। बोले भाव किसको कहते हैं, बोले जब ये स्थिति आएगी, हृदय जब धीरे धीरे पवित्र होना शुरू हो जाएगा, कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी। कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए, हमें अपना अधरामृत पान करके चला गए। कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी हमें स्पर्श कर रहे हैं, हमारी रोंगटे खड़े हो जाएगा। कभी कभी ऐसे लगेगा ठाकुर जी की चरण की नुपुर की आवाज छमछम छमछम कभी आवाज सुनने को मिलेगी। कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए और आंख एकदम झुलस जाएगा। इसको कहते हैं ये भावावस्था है। और जो अष्टम स्टेज है ये प्रेम। प्रेम मतलब क्या होता है, जैसे फूल खिलने पर ये फूल भौंरा को पास में नहीं जाता, भौंरा स्वयं फूल में बैठ करके मधु आस्वादन करता है। हृदय में जब भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा ना, फिर तुम्हें भगवान को पास में जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारी पास में आएंगे। इसलिए ठाकुर जी अष्टम स्टेज में, अष्टम गर्भ में इसलिए आए हैं, अष्टम गर्भ प्रेमावस्था है, भगवत प्राप्ति की अवस्था है। अभी भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले, जब देवकी गर्भधारण की, समस्त देवता लोग प्रकट होकर के भगवान की गर्भस्थिति कर रहे थे। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य स जोनी नीतम च सत्य सत्य स सत्यामृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वाम शरणम प्रपद्ये। भगवान को सत्य सत्य बोल करके स्तुति कर रहे थे। बोले हे प्रभु, हे पालनहार, हो विश्व ब्रह्मांड का जगन्नाथ जी,
आप अजन्मा होते हुए भी हमारे ऊपर में कृपा करने के लिए आप जन्म हो रहे हो। जो व्यक्ति तुम्हारी चरणों का आश्रय ग्रहण करता है भवसागर से आसानी से पार हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति तेरे चरणों को छोड़ करके ज्ञान कर्म योग का आश्रय ग्रहण करता है वो बड़े उच्चे पद को प्राप्त करते ही पतन होता है, लेकिन जो तेरे चरणों का आश्रय लेता है भवसागर को जैसे गैया की खूर में जितना पानी जैसे आसानी से पार हो जाता है जीव वैसे ही तेरे को प्राप्त कर लेते हैं। अभी भगवान जन्म लेने वाले अगर साधारण कोई प्राइम मिनिस्टर आए ना देखना कितने स्वागत होगा। आज कौन जन्म ले रहे हैं? जगन्नाथ जगतपति विश्व ब्रह्मांड का मालिक जन्म ले रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी वहां पर वर्णना करते हैं पृथ्वी दुल्हन जैसे सज गई, बड़ी सुंदर सज गई दुल्हन जैसे। कौन बोले सिर्फ पृथ्वी? बोले क्यों पृथ्वी इतने क्यों खुश हो रही है? बोले प्रभु मेरे को सत्य युग में बरहावतार में बरहावतार में मेरे ऊपर कृपा किया, रामावतार में माँ सीता की जन्म पृथ्वी से हुई, मेरे को अपना सासू बनाया है, और द्वापर युग में जब जन्म लेंगे भगवान नंगे पैर में सर्वत्र भ्रमण करेंगे, सत्य भामा ही ये पृथ्वी रूप में आने वाली है। इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, और जो जमुना नदी थी वो तो कलकल के नाद से प्रवाहित हो रही थी। बोले श्री जमुना देवी की, बोले श्री जमुना देवी की, बोले जमुना देवी खुश हो रही थी। बोले क्यों? बोले भगवान मुझे अपना पटरानी बनाएंगे हैं और जलविहार करेंगे, और जितने नदियां थी ना वो भी खुश हो रहे थे। बोले क्यों? बोले जितने नदियां हैं सबसे बड़ी बहनी जमुना और उनकी छोटी बहनी ये सब के सब नदी, इसलिए कहते जब जमुना को साथ में शादी होगी हम भी भगवान की साली बन जाएंगी। इसलिए आप लोग देखना कभी कभी दामाद पत्नी से सालियों को ज्यादा प्रेम करता है, इसी नाते भगवान हमें पर भी कृपा करेंगे। इसलिए ये जमुना प्रसन्न हो रही थी, और जब कमल फूल वो खिलता है दिन में, लेकिन आज रात में कमल फूल मिल गए। बोले क्यों कमल रात में खिल गए? बोले जब संत जन भगवान का स्वरूप को उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी, कहते भगवान के नेत्र कमल है, मुख कमल है, उनकी नाभि कमल है, वो कमल कमल के साथ में उदाहरण देंगे, इसलिए खुश हो रही थी। और चंद्रमा जब भगवान प्रकट हुए भादो की महीना बुधवार दिन अष्टमी रात को आए, अष्टमी का चंद्रमा आधा होता है, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण रूप में प्रकट हो गई। बोले क्यों? बोले आज ठाकुर जी चंद्र वंश में आ रहे हैं, चंद्र वंश में आ रहे हैं, इसलिए भगवान पूरा पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गए। और जिस समय भगवान आए हम सुने होंगे भागवत में आकाश काला मेघ में छाया हुआ था, नीचे रहता है मेघ उसको ऊपर भी चंद्रमा, अभी चंद्रमा मेघ में लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा कहता है मेघ मेरे सामने से हट जा, मेघ कहता है क्यों हटू? बोले तेरे को पता नहीं ठाकुर जी आज मेरे वंश में आ रहे हैं। मेघ कहता है तेरे को पता नहीं ठाकुर जी आज मेरे कलर को लेकर के रंग लेकर के आ रहे हैं, मेरे रंग लेकर के आ रहे हैं। बोले रंग तो तेरा लेकिन मेरे वंश में तो आएंगे, तेरे से भाग्यवान नहीं हूँ। देवता लोग बोले भैया लड़ाई झगड़े करने का समय नहीं, ठाकुर जी जन्म ले रहे तू भी हट जा, उसको भी आनंद देने ले तू भी आनंद ले हैं। और विशेष करके जब भगवान अवतीर्ण हुए कहते विशेष करके चार व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, आकाश में जो काला मेघ छा जाए कितने लोग खुश होते हैं? जोर से बोलो चार। ध्यान से सुन लो कौन कौन चार व्यक्ति। पहला नंबर किसान खुश होता है, क्यों? किसान में जमी जमी भैया है ना, खेती में अगर बारिश नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। कहते ये किसान कौन? बोले पितामह ब्रह्मा जी जिसने जगत को सृष्टि तक किया है, लेकिन दुष्ट लोग आकर के सब बड़े उत्पात मचा रहे थे। ब्रह्मा जब देखा भगवान आने वाले क्या करेंगे, बोले परित्राण आएगा साधु नाम बिना सहायक दुष्कृताम, ठाकुर जी दुष्ट को संहार करके संत को पालन करके ब्रह्मा खुश हुए। बोले दूसरा व्यक्ति कौन खुश होता है? बोलो बोले मोर। बोले मोर कब नृत्य करता है? आकाश में जो मेघ छा जाए और रड़रड़रड़ शब्द हो जाए और रिमझिम बारिश ही होना देखना मोर पंख खोल कर खुश होता है। बोले यहाँ मोर कौन? बोले नीलकंठ स्वयं शंकर जी। कल हम सुनेंगे शंकर कैसे है साधु वेश धारण करते हुए ठाकुर को दर्शन करने के लिए भोले बाबा आते हैं।
तीसरा व्यक्ति खुश होता है, बोले कौन? बोले चातक। एक चिड़िया है, वो किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, वो किसी तालाब का पानी नहीं, जब बरसात हो ना तभी पानी पिएगा। बोले भैया ये कौन? बोले जितने संत लोग, नारद आदि संत लोग हैं, ये प्रसन्न हो रहे थे। बोले चौथा व्यक्ति कौन खुश हो रहे थे? बोले दावा दल में दग्ध हाथी। जब किसी जंगल में आग लग जाए हाथी को बड़ा कष्ट होता है, हैं? कहते हाथी ये कौन है? बोले इंद्र चंद्र देवता आदि है। जब देखा भगवान आ रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड में जय जयकार हो रहा था, भगवान ठीक रात 12 बजे ठाकुर जी चतुर्भुज रूप लेकर के ठाकुर जी कल सके कारागार में ठाकुर प्रकट हुए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। इतने में भगवान को बड़ी सुंदर स्तुति की, बोले ठाकुर जी आपको तो मैं बालक रूप में प्रार्थना दिया था, आप तो चतुर्भुज रूप लेकर क्यों आए? बोले देखो अभी मैं बच्चा बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में रख कर वहां से जो बेटी हुई वो बेटी को ले आना। बोले ये हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, पहरादार कैसे जाएंगे? बोले कोई चिंता मत करो, केवल मेरे को अपना सर में रखते ही ये सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे। जब जा रहे थे रिमझिम बारिश ही हो रही थी, स्वयं अनंत देव छत्री रूप में रक्षा कर रहे थे। जब यमुना नदी आई वो भी लबालब भरा हुआ, बोले कैसे यमुना पार करेंगे? यमुना भी उफनने लगी, बोले क्यों? बोले मैं भी तो ठाकुर का चरण स्पर्श करूं। इतने में ठाकुर जी प्यार को नीचे बढ़ाए तो यमुना देवी भी ठाकुर का चरण तो स्पर्श की और स्वयं जोग माया के सियार बने करके सामने जा रही थी। इतने बोले इतनी सी पानी तो उन्होंने पानी को पार हो गए और उन्होंने गोकुल में गए। अरे कल हम सुनेंगे, आज कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कल हम कथा सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में जन्म हुए और श्री राधा रानी कैसे जन्म लेती हैं, कल श्री राधा जी की कथा सुनेंगे। और कल आप लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आओगे? गुलाबी रंग के साड़ी। क्यों? जो गुलाबी रंग है प्रेम का रंग है, राधा रानी ये प्रेम स्वरूप श्री राधा रानी। ठीक है अभी भगवान आ रहे हैं, प्रभु जी बधाई जाओ, ले ले आओ सबको। अरे कृष्णा ले, कृष्ण को ले आओ, कृष्ण को ले आओ और ग्वाल वाल सबको ले आओ, सबके सब देवती वसुदेव है कि नहीं, ले आओ सबको। आदि बल थी
सब